let's not. Ranbir Kothari, accused of rash and negligent driving, killing 7 people, sleeping on the dividers. Let's see what you prepared. According to Ranbir, rasta bilkul saaf tha. And sir, since it was a highway, he was driving at a good speed. Tabhi achanak koi uske saamne aa jata hai aur wo zor se brake laga deta hai, jiski wajah se gaadi out of control ho jati hai. अब उस गाड़ी को कंट्रोल करते करते रणबीर गाड़ी को उन 7 लोगों पर चढ़ा बैठता है जो डिवाइडर पर सो रहे थे। संदीप, संदीप, करेक्ट योर स्टेटमेंट। गाड़ी चढ़ा नहीं बैठा, गाड़ी चढ़ जाती है। या राइट सर। एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथली सर, पर लास्ट हियरिंग में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पता नहीं कहीं से गवाह लाकर खड़ा कर दिया। गड़बड़ वहां हुई सर, जब रणबीर ने भी यह बयान दे दिया कि कार वही चला रहा था। सर, हमने इस केस में रणबीर को इतना प्रिपेयर किया कि कोर्ट में क्या कहना चाहिए, पर सर दबाव में आकर। सबरवाल, सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू नेवर ट्रस्ट योर क्लाइंट्स। बट सर, गवाह था ही नहीं, हमें कहीं से नहीं लग रहा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कम ऑन यादव, तुम लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू अंडर एस्टिमेट द एबिलिटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय मेकिंग सच अ बिग केस? आई एम सॉरी, बट मैं देख रहा हूं कि इस फर्म की छत तुम लोगों को कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट करती जा रही है। सर, इट वॉज ए क्लियर कट केस सर। आई एम सॉरी। सर, मैं कह रहा था इट वॉज ए क्लियर कट केस ऑफ नेग्लिजेंस। अग्रीड, पर इस केस ने एक अजीब मोड़ ले लिया है। मीडिया इसे एक इशू बना रही है दैट देर इज अ डिफरेंट लॉ फॉर द रिच एंड अ डिफरेंट लॉ फॉर द पुअर। एक अमीर आदमी गरीबों को कुचल कर चला जाता है। अगर हमें रणबीर को इसमें से निकालना है तो इतने सारे पॉइंट्स हैं कि हम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं ये सोच रही थी कि मृदुला, विल यू प्लीज पुट दैट फोन ऑफ। आई एम सो सॉरी सर। सर, अगर हम इस बात पर टेस्ट करें कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस ने रणबीर को गाड़ी से उतरते हुए देखा है, गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। सबरवाल, व्हाट आर यू टॉकिंग? हम कोई फिक्शन नॉवल लिख रहे हैं? सर, वैसे भी एक बड़ा लूपहोल है जो हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं। रणबीर नाबालिग है तो वो गाड़ी कैसे चला रहा था? ओह यस, वो सर, आई वाज थिंकिंग ऑफ अ पॉसिबिलिटी। वो ये कि वैसे भी डिवाइडर पे सोना गैरकानूनी है। अगर हम केस करने वालों पर दबाव डालें तो एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है और इसी तरह एक रास्ता निकल सकता है जहाँ के दोनों पार्टीज में यू नो कॉम्प्रोमाइज हो। नॉट अ बैड आइडिया, कोशिश करके देख लो। नेक्स्ट टाइम वी मीट आई वांट टोटल क्लैरिटी इन दिस केस, एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले मृदुला को जरूर कंसल्ट करना। ओके सर। आई डोंट वांट द सेम मिस्टेक्स रिपीटेड। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना बहुत बुरी बात है। Okay, today's meeting is adjourned. Okay, sir. Thank okay, you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you, everybody. Mridula, I think you should also leave. Sir, नहीं, वो मुझे कुछ petitions file करनी है sir, इसलिए मैं। अरे काम तो चलता रहेगा, लेकिन ये साहब जो बार बार तुम्हें फोन कर रहे थे, ऐसा लगता है बहुत बेताब है तुमसे मिलने के लिए। I think you should leave. Okay, sir. Thank you. अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते हो? फोन पे फोन, फोन पे फोन, मैं फोन कट करती जा रही हूँ, तुम फोन करते जा रहे हो। You couldn't wait for a while? Hey, hey, hey. Excuse me. कौन हो भाई तुम? क्या करते हो मिलिंद? हाँ? You always embarrass me. बाहर चलो, बताती हूँ, चलो come on. अरे जान ना पहचान, अजीब पायलो लड़की है यार ये। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम्हारा नाम मिलिंद? वो तो मेरा नाम है, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। मैं मृदुला हूँ, योर वाइफ। है? मेरी बीवी? एक मिनट, अब तुम कहीं ये तो नहीं कहने वाली हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? हाँ। अरे मृदुला, गेट लॉस्ट। Hey, 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 hey
चेहरे पे गुस्सा उफ ये नजाकत जानम तुम हो जानम तुम हो। चाहती हो जाके सिवा कुछ बाकी नहीं। जन्मों का वादा तुमसे किया है हमने भी सब कुछ तुमको दिया है जानम तुम हो जानम तुम हो। तुमसे मोहब्बत में कर लूं चलो आज दे दो इजाजत हमें। इतनी भी जल्दी क्यों है बताओ तुमसे शर्म है शिकायत हमें। अब माने जाओ यूं ना सताओ अच्छा जी बोलो क्या है सुनाओ जानम तुम हो जानम तुम हो। गुड नाइट मैडम। अच्छा मैडम चलते हैं। या यू आर राइट। अरे यार बहुत लेट हो लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गलती तो हमेशा मेरी होती है नहीं। चलो 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 जल्दी चलते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। यू'ड बेटर बी। कहाँ थे अब तक? पापा खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। खाने के लिए इंतजार? खाना तो हम लोग खा के आए हैं। क्या मृदुला प्रेगनेंसी की हालत में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए? मैं भी यही कह रहा था पर ये मैडम है ना इनका दिल है कि मानता ही नहीं। इनफैक्ट मॉम मैंने तो ये भी कहा कि माँ हमारा वेट करी हुई खाने पे अच्छा थोड़ी लगता है लेकिन नहीं माने नहीं। कब कहा मिले तुमने ये सब? बेटा मैं सब समझती हूँ। अरे मॉम कसम से या आई एम श्योर। लो यही देख के तो अब मुझे इस घर में आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगा। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या बात है आज साहब ज्यादा फिर किस बात पे क्रिप कर रहे हैं हाँ? He's caught. Wow, Dad, क्या आउटफिट है? Don't change the topic. नहीं नहीं डैड ये तो वही आउटफिट है जो आप मुझे देने वाले थे। तो इसे तो अब तक मेरी वार्डरोब में होना चाहिए था ना डैड। हाँ हाँ हथियार तो तुम लोगे ही पर कम से कम अपने गरीब बाप को दो दिन शॉप से पहनने का मौका तो दो। ठीक है दिया okay. लेकिन सिर्फ दो दिन okay. बस बस तुम लोग ना मृदुला अब तुम आराम करो हुँ? अच्छा जी गुड नाइट। और हाँ तुम्हारे पापा का फोन आया था। पापा का? चार बार फोन आया था नाना बनने की खुशी में। पापा भी ना कल उन्हें जरूर मिलाना। नहीं 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 कल का दिन मृदुला का स्पेयर रखना। राइट पापा कल मेरे फ्रेंड्स एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेरे अब्रॉड जाने की खुशी में। कल मैं और मृदुला सारी रात पार्टी करेंगे। बेटे कल मृदुला को मेरे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है। कल इजरायली काउंसलेट के यहाँ कॉकटेल्स हैं। पर पापा आपने एक बार पूछ तो लिया था मुझसे। बेटे शहर के गिने चुने लोगों को बुलाया उनमें से हम भी हैं मैं मना नहीं कर सका। और फिर तुम लोग तो हर इवेंट को पार्टी बना लेते हो कल एक बैचलर्स पार्टी कर लेना। हैव अ बैचलर्स पार्टी एंड एंजॉय। व्हाई शुड आई पापा व्हेन आई हैव अ वाइफ। और अगर आप मना नहीं कर सकते तो आप चले जाइए ना प्लीज। मृदुला इज रिप्रेजेंटिंग द फर्म और मिलना मिलाना इस स्टेज पर उसके करियर के लिए बहुत अच्छा है। पापा अगर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो मेरी भी कुछ पर्सनल फीलिंग्स हो सकती हैं। व्हाई आर यू मिक्सिंग देम मिलिंद खामखा तुम
मृदुला, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मिलिंद, मैं मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। पापा, प्लीज डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। मिलिंद, ये दोनों व्हाइट शर्ट्स रखनी है, देख लो ना प्लीज। दो व्हाइट शर्ट्स ले जाके क्या करोगे? मृदुला, तुम ही डिसाइड करो ना प्लीज। मैं क्यों डिसाइड करूं? तुम अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, पहनना तुम्हें है। मैं कैसे बता सकती हूं तुम्हें क्या पहनना है और क्या नहीं? कुछ भी नहीं समझते हो तुम। मैं सब समझता हूं। मैंने कहा ना मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम क्या एक दिन नहीं रुक सकते? नहीं, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही ना। बट आई प्रॉमिस यू वन थिंग, मैं तुम्हें हर रोज एक फोन करूंगा। You know, Milind, it's such a different experience growing with a man, from a girl to a woman and then to a mother. एक बात कहूँ? हर रोज मैं तुम्हारे बारे में एक नई चीज डिस्कवर करती हूँ, and I fall in love with you again and again and again. पता है। वैसे कहीं इसके आने के बाद तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम तो नहीं हो जाएगा? नहीं, वो क्या है ना कि मैं थोड़ा सा पजेसिव हूं। मिलिन, आर यू रेडी? लाइट का टाइम हो रहा है, चलो जल्दी, लेट हो रहा है। चलो चलो चलो, जल्दी करो। बहुत देरी हो गई है बेटे, सब कुछ ले लिया ना? यस पापा, आई विल मिस यू पापा। जीत कर आना बेटे, अपॉर्चुनिटीज नेवर स्ट्राइक ऑलवेज, दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू टू प्रूव योरसेल्फ एंड फॉर मी टू टेल द वर्ल्ड That's my son. अपना ख्याल रखिएगा पापा, और मामा का भी, और रुदला का भी। अरे बाबा, ये तो उसका पीहर नहीं है, इस घर में तो ये बेटी से भी बढ़कर है। जानता हूँ मामा, बच्चनों ऐसी हालत में छोड़ के जा रहा हूँ इसे। That usual nervousness of the first timers. Oh, Mr. First Timer, don't forget that I've been through all this. और तुम कौन सा डिलीवरी के बाद लौटने वाले हो? यहाँ की फिक्र छोड़ो और वहां मन लगाकर काम करना। वकालत नहीं तो क्या हुआ, आपसे मन लगाकर काम करना तो सीखा ही है मैंने। बेटे, ये तुम्हारे लिए। इसमें क्या मॉम? वो चाइनीज कोट जो तुम्हें बहुत पसंद था। ओह अच्छा, वही जो मैंने आपको पहने दिया था। हाँ। और हाँ, इसमें हनुमान चालीसा भी है। रोज जरूर पढ़ना। श्योर मॉम। अच्छा डैड, जीते रहो। ओके मॉम, जीते रहो बेटे। ओके मृदुला, चलो चलो बुद्धू।
बीबी जी आपसे कोई मिलने आया है। इस वक्त कौन हो सकता है? कोई प्रसाद है, कहता है आपका दोस्त है। प्रसाद? प्रसाद सक्सेना तो नहीं? बाकी तो कुछ बताया नहीं उसने। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी प्रसाद। कैसे हो? कहाँ थे इतने दिन? बैठो बैठो ना। स्वाति के बारे में पता चला? मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे हो गए थे जब मुझे पता चला कि स्वाति ने सुइसाइड कमिट कर लिया है। तुम्हें कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, और स्वाति की माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसके ससुराल भी फोन किया, उसके हस्बैंड को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट नो रिस्पॉन्स। मुझे लगता है सदमे की वजह से शायद उन्होंने सबके फोन अवॉइड किए और पता नहीं। मर्डरर्स आल्सो डेवलप अ कॉन्शियंस। मर्डर? ये क्या कह रहे हो प्रसाद? तो क्या तुम भी औरों की तरह यही विश्वास करती हो कि स्वाति ने पागलपन के दौरे में आत्महत्या कर ली? पर यही तो हुआ था ना, यही तो न्यूज फैली थी सब जगह। जुडिशियरी और पॉलिटिशियंस, ये दोनों जिसकी जेब में हो ना, वो तो जो चाहे न्यूज बना सकते हैं। What are you talking, प्रसाद? It was a murder, मृदुला। She was brutally drugged to death. मृदुला, तुम्हें क्या लगता है जो इंसान अपनी जिंदगी से इतना प्यार करता हो वो अपनी ही जिंदगी से? मृदुला, हमारी स्वाति क्या ऐसा कर सकती थी? I don't believe this. तुम ये सब इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरे पास एविडेंस है। उसके साथ किए गए अत्याचार स्वाति खुद लिख गई है, और वो डायरी मेरे पास है। उसे जानवरों की तरह कैद करके रखा गया, पागल कर करके मारा। मृदुला, इट्स ऑल माय फॉल्ट। काश मैंने स्वाति से एक बार कह दिया होता कि मैं उसे चाहता हूं। आई एम श्योर वो मुझे मना नहीं करती, वो आज हमारे साथ होती। But this is so shocking, प्रसाद। वही तो आए थे स्वाति का हाथ मांगने। सब दिखावा था। फ्रीडम फाइटर कृष्णचंद्र आजाद की बेटी को बहू बनाकर इमेज बनाने का इससे अच्छा मौका हसमुख लाल को नहीं मिलता। पुलिस ने भी केस ऐसे दबा दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब साले दलाल हैं उस हसमुख लाल के। We have evidence, प्रसाद। We can open a private case. My firm will fight the case. नहीं हो सकता ये। तुम्हारे फादर इन लॉ मिस्टर दीपक खन्ना हसमुख लाल के लॉयर हैं। लाल? एचएम लाल? प्रसाद, आर यू श्योर? तुम दावे से कह सकते हो कि जो कुछ डायरी में है वो सच है? ये तुम पूछ रही हो मृदुला? डैम इट, वी वर ऑल फ्रेंड्स। कच्ची उम्र हमने साथ गुजारी है। मैं भी वही जानता हूं जो उस डायरी में लिखा है, पर मेरा दिल कहता है कि जो कुछ लिखा है वो सब सच है। आई अंडरस्टैंड प्रसाद, लेकिन मैं भी मृदुला, मैं यहां पे एक वकील से केस की लीगैलिटी डिस्कस करने नहीं आया। मैं तो सिर्फ उसे ये कहने आया हूं कि उसकी एक दोस्त है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है, क्या वो अपने इस दोस्त के लिए कुछ कर सकती है? प्रसाद, प्रसाद, मैं यहाँ पे एक वकील से केस की लीगैलिटी डिस्कस करने नहीं आया। मैं तो सिर्फ उसे ये कहने आया हूँ कि उसकी एक दोस्त है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है, क्या वो अपने इस दोस्त के लिए कुछ कर सकती है?
तुम उस शाहीन की पार्टी में क्यों गई? उसने मुझे इनवाइट किया था, मैं चली गई। तुम्हें भी तो इनवाइट किया था, तुम क्यों नहीं आई? मैं नहीं जाती ऐसे स्नॉब्स के यहाँ। इनफैक्ट तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए था। मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊँ। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अरे याद नहीं है कैसे पिछले साल उसने मुझे इंसल्ट करके फैशन शो से निकाला था? उसने तुम्हें कोई इंसल्ट नहीं किया था, तुम हर रिहर्सल पे हंस पड़ती थी। मैं उसकी जगह होती ना तो तुमको एक लगा कर रखती। अच्छा, एक लगा के रखती? वो तो मैं तुम्हारी ऊंट जैसी अकड़ू चाल देखकर हंस देती थी। खुद को तुम बड़ा सुपर मॉडल समझ रही थी। चलना तक तो आता है नहीं तुम्हें। क्या, मुझे चलना नहीं आता? तुम जानती हो तो मैं फैशन शो से क्यों निकाला गया था? इसीलिए निकाला गया था क्योंकि जब तुम रैंप पर चलती थी तो ऐसा लगता था कि हड्डियां डांडियां खेल रही हैं। यू वर सो पैथेटिक। जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। हाँ हाँ, मैंने भी बहुत देख लिए तेरे जैसे। रियली रियली? ओ या, ओ या। यूं ही तुकबाजी करते रहोगे या कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ एंटरटेनमेंट भी होगा? नोचो नोचो, एक दूसरे के बाल नोचो। इडियट। अब समझ में आया? इसके बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना स्वाति, डू यू अंडरस्टैंड? और तुम भी मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना, डू यू अंडरस्टैंड? क्या है स्वाति, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? एक दो लगा देती ना उसे। क्या हुआ? सुना है तुम्हें टीम के फाइनल सिलेक्शन में नहीं लिया गया? निकाल दिया मुझे, टीम से निकाल दिया गया मुझे। स्वाति ने कैप्टन बनते ही मुझे निकाल दिया। अरे, but why would Swati do such a thing? ओह, प्यार जाग गया। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर स्वाति के लिए प्यार बोल रहा है। उसने ये पर्सनल टिफ इतना बढ़ा दिया है कि कैप्टन बनते ही मुझे टीम से निकाल दिया। तुम्हारे दिमाग में ये सब किसने भर दिया? स्वाति कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। कर चुकी है प्रसाद, उसने मेरे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रची है। कॉन्स्पिरेसी? कम ऑन मृदुला, सस्पेंस नॉवल पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं सच बोल रही हूँ प्रसाद। ठीक है, अगर ये बात सही है तो वो हमारे ग्रुप में नहीं रहेगी। चलो। सर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वाति, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो डिसीजन लिया गया है वो करेक्ट है। लेकिन सर, ये तो आप भी जानते हैं ना, दैट मृदुला इज अ वेरी गुड प्लेयर। फिर उसे टीम में क्यों नहीं रखा जा रहा है? लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दैट, ओके? और तुम तो हो ना टीम में, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कैसे प्रॉब्लम नहीं है सर, जरूर प्रॉब्लम है। सर देखिए, मैं नहीं जानती इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ दैट शी इज द बेस्ट अटैक ऑफ अ टीम। सर देखिए, मेरा उसे झगड़ा हुआ है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्सनल ग्रजेस आई डोंट वांट हर आउट ऑफ द टीम। ठीक है, आई विल सी। स्वाति, I'm sorry. किस लिए? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। तो तू भी तो आ सकती थी मुझे मनाने के लिए। तू भी तो आ सकती थी ना मुझे मनाने के लिए। तो सो देन व्हाट? देन व्हाट? व्हाट?
Swati. How could you, Swati? I really don't understand. मैं समझता हूँ मृदुला, पर जिसे जाना होता है वो तो चला ही जाता ना। तुम नहीं जानते मिलन, वो मेरे लिए क्या थी। क्या बात है बेटे, तुम रो क्यों रहे हो? What happened? मॉम, वो मृदुला को पता चला है कि उसकी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है। ओहो, माय बेस्ट फ्रेंड पापा। स्वाति, वो पॉलिटिशियन है हसमुख लाल जी, उनकी बहू। कहते हैं पागलपन में उसने आत्महत्या कर ली। But in college she was such an absolute fighter, Papa. I just don't believe it. मुझे यकीन नहीं होता कि बेटे बेटे सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। और वैसे भी depression is the second largest disease in the city. हो सकता है वो भी बिचारी कोई anyway, तुम मत रो बेटे। Please don't cry. दिन था जब मैं वहां पहुंची तो मुझसे कहा गया कि स्वाति अजय के साथ अमेरिका गई है। मैं तो ऐसे ही खुश थी, अच्छा परिवार है। मुझे क्या मालूम था कि कुछ ही दिनों बाद मेरी स्वाति फिर उनका रवैया ही बदल गया, लांछन लगाने लगे। स्वाति में दोष है, बांझ है, वो पागल हो गई थी, गलत दवाइयां लेकर मर गई। तुम्हें बताओ हमारी स्वाति ऐसा कर सकती थी? फिर पता चला अजय का किसी लीडर की बीवी से चक्कर चल रहा था। अरुंधति पांडे, रतिकांत पांडे है ना उनका कैंपेन मैनेजर, उसकी बीवी। अगर वो डायरी नहीं मिलती मुझे तो कभी इसका खुलासा नहीं होता। बस मुझे एक बार वो डायरी मिल जाए। नहीं बेटे, तुम ये केस मत लो, वो लोग बहुत खतरनाक है। अपनी एक बेटी के लिए मैं अपनी दूसरी बेटी की खुशियां दांव पर नहीं लगा सकती। एक पल में अपना करके पराया भी कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी, आप जानती नहीं हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह इज्जत दी जाती है, और खास करके पापा, अगर उनको सच्चाई का पता चल जाएगा ना, देखेगा वो हमारी तरफ से ही लड़ेंगे। आंटी जी, मेरे सपोर्ट के लिए मेरे पापा और मेरी पूरी फर्म खड़ी है। आप बस एक बार मुझे वो डायरी दे दीजिए प्लीज। कुछ भी नहीं है। क्या बात है कि मिस्टर अजय लाल ने आपको इतने सालों तक मीडिया से छुपाए रखा? छुपा के रखा? And why do you think he did that? हो सकता है वो चाहते हो कि मुझे किसी की नजर ना लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है।
हाँ बस शादी के बाद 4 साल तक मैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने फार्म हाउस पे रही एंड नाउ सिंस अजय वांट्स टू फाइट द एमएलए इलेक्शंस वी आर बैक इन मुंबई लेकिन जो भी है अच्छा है कम से कम मुझे मेरे परिवार के साथ रहने का मौका तो मिला एंड आई एम मोर देन हैप्पी शादी दो लोगों के बीच विश्वास का एक अटूट रिश्ता है किसी को समझना पड़ता है तो किसी को समझाना पड़ता है किसी को मानना पड़ता है तो किसी को मनवाना पड़ता है वैसे अजय के साथ इस रिश्ते से मैं कभी खुश नहीं थी पर आज मैं ही इस रिश्ते को बनाने चली थी टिपिकल लड़कियों की तरह उनके बारे में सोचना उनका ख्याल रखना उनका इंतजार करना कभी कभी तो वो 6-6 महीनों तक नहीं आते पॉलिटिक्स वैसे मुझे उनके सोशल सर्कल्स में जाने की इतनी आदत तो नहीं थी पर एक दिन मैंने ही इंसिस्ट कर दिया और अजय मान गए आज पहली बार मैं अजय के साथ पार्टी में जा रही हूं आई एम श्योर वहां सब इंपॉर्टेंट लोग आएंगे इसीलिए आई एम इन माय बेस्ट अटायर मुझे पूरा यकीन है हमारे पैर को देख के कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलेगा और कसके बांधो तुम्हारी मर्जी थोड़ा और बस थोड़ा सा और इतना भी मत कसो कि मुश्किल बढ़ जाए वैसे भी 3-4 दिनों की जुदाई अच्छा वाकई में स्वाति ये अरुंधति है रतिकांत जी की पत्नी हमारे साथ ये भी पार्टी में चल रही है हाँ एक्चुअली अजय ठीक ही कहते हैं वाकई बहुत खूबसूरत है आप चलो हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं लेट्स गो चलिए कम पुराने दोस्त लगते हैं खासी दोस्ती है बट आई डिडंट लाइक इट झूठ क्यों बोलूं नहीं पसंद आया नहीं पसंद आया एनीवेज मैं क्यों जलूं जब से अजय इलेक्शंस में खड़े हुए हैं उनका मेरे लिए रवैया ही बदल गया मुझे हर जगह ले जाने लगे किसी ने तो हंस के कह भी दिया कि इमेज बनाने का अच्छा तरीका है पर मैं जानती हूं कि उन्हें मेरे होने का एहसास हो रहा था लेकिन अब सोचती हूं कि अगर मैं साथ नहीं जाती तो कई ऐसी बातों का पता ही नहीं चलता सर इस नए अलायंस का क्या भविष्य है भविष्य क्या है एक नए पार्टी का जन्म फिर देखेंगे हम भी कुछ करेंगे आपको क्या लगता है कि सत्ता में आकर ये नई पार्टी वो कर सकती है जो आज तक दूसरी पार्टियों ने नहीं किया देखिए ये तो जनता के ऊपर है अगर वो चाहेगी तो हमें जिताएगी फिर हम भी कुछ नया करेंगे मैडम आपके फादर एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं आप इतने बड़े पॉलिटिशियन की बहू हैं कहीं पॉलिटिक्स में आने का ये एक नया रास्ता तो नहीं मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं तो बस अपना किचन संभाल लूं यही काफी है सर सुना है आपका अपने कैंपेन मैनेजर की वाइफ के साथ चक्कर चल रहा है अब देखिए राजनीति कोई खाने का काम नहीं है सर आपने जवाब नहीं दिया क्या वाकई में आपका अरुंधति पांडे के साथ चक्कर चल रहा है क्या आपने मुझसे कुछ पूछा जी सर वो मैं तेरी तो अरे क्या कर रहा है क्या पूछा बोल अजय का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा
इसमें अजय की भी क्या गलती, ये रिपोर्टर्स होते ही ऐसे हैं, इन्हें तो बस गॉसिप चाहिए। पर जो मैं सोच रही हूं क्या वो सही है, या फिर खुश रहने के लिए मैं शायद खुद को ही धोखा दे रही हूं। हेलो, तुम्हारे पति का अरुंधति पांडे के साथ अफेयर चल रहा है। मैं सच कह रही हूं, सबूत के साथ पेश कर सकती हूं। देखिए आप जो कोई भी हैं, प्लीज दोबारा ऐसे क्रैंक कॉल्स मत कीजिएगा। वो कल रात को ही बार बार फोन करके परेशान कर रहा था। आपके और अरुंधति के संबंधों के बारे में। अरुंधति पांडे और आप, आखिर ऐसा मैंने क्या गलत पूछ लिया कि अजय ने आज सबके सामने मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे नहीं पता था कि एक फोन की घंटी आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हेलो, अब तो थप्पड़ पड़ गया, अब तो यकीन कर ले। आप कौन बोल रही हैं? देखिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। पहले अपने पति से तो मिल ले, अपने फार्म हाउस में रंगरलियाँ मना रहा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम अपने पति के बारे में जानना चाहोगी, पर ये मौका मिस मत करना। अब तक के लिए इतना ही। मुझे नहीं पता था कि इस फोन करने वाली का क्या फायदा था, या वो कौन सा बदला लेना चाहती थी मुझसे, पर आज शायद मैं खुद अपना ही विश्वास तोड़ने जा रही थी। अजय की गाड़ी, तो क्या अजय और अरुंधति? आजकल तबीयत कुछ बिगड़ने सी लगी है, कुछ याद ही नहीं रहता, या फिर ये उन दवाइयों का असर है। यहां तो जैसे मुझे कैद करके रखा गया है। इन लोगों की ऐसी ऐसी बातें पता चलने लगी है। भाई जी, तो साले का टेकवा दबा दो। अब बाहर के नौटंकी दिखाता है, जमीन के अपनी माँ की मैयत के लिए रखी है। अरे बचकुंदा, पकड़ ले,
इन सालों की कुंडलियों में खून लिखा है, तू क्यों अपनी जान पे तुला हुआ है? दे दे दस्तखत, दे दे चल। मैं साइन नहीं करूंगा, समझ लो तुम। आप भी देगा हमने पहले कहा था दस्तखत दे दे। वकील से पूछ के लगा लेंगे। स्वाति, पैर ठीक होने का ये मतलब नहीं है कि तुम ताजा करती फिरो। मैंने कहा ना, तुम समझती क्यों नहीं हो? इस घर की औरतें जान कर भी कुछ दायरों से बाहर नहीं निकलती। चलो अपने कमरे में लगा। चलो ना अपने कमरे में सो जा। चलो चलो ना। मनोज सोलंकी डाइज इन अ कार एक्सीडेंट नियर बड़ौदा। चंद्रा गैंग इन्वॉल्व्ड। क्या याद भाई, इसको भी पहुंचा दिया भगवान के खाते में। हसमुख भाई, आपके दिमाग का भी जवाब नहीं, एक ही तीर में दोनों को दौड़ा लो। साहब, चंद्र पकड़ा गया। अच्छा, इसको छोड़ दो। जी। छोड़ दो इसे। ये आदमी कल यहाँ पर था, मैंने देखा था इसे। आप लोगों ने मारा इसे। एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है ये। You people are bloody murderers. मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक्सपोज करके रख दूंगी आप लोगों को। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है, एक पल भी नहीं। डिवोर्स चाहिए मुझे, डिवोर्स मैंने कहा। तुम भी शामिल थे इसमें। चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। चुप नहीं रहूंगी मैं। सुना तुमने? चुप नहीं रहूंगी मैं किसी को। पानी जब तक ग्लास में रहता है तभी तक उसे पिया जा सकता है। शायद मुझे कुछ ज्यादा ही पता चल गया था। मेरी हालत और बिगड़ती चली गई। अच्छे होने का दिलासा देते हुए ये लोग मुझे दवाइयों पर दवाइयां खिलाते रहे। न चाहते हुए भी मुझ पर जबरदस्ती की जाती। लो, अरे पी लो, पकड़ो इसको। अरे बस बस चुप। इसे पकड़ो, लो। ऐसे क्या देख रही हो? चुप। ये दवाई है हाँ, और देखो आइंदा से कोई इस कमरे में आने ना पाए। इसकी हालत ना दिमागी हालत ठीक नहीं है हाँ, और कभी भी हमला कर सकती है। जाओ 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 जाओ। आप दवाइयां खाते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर राधा, राधा। क्या हुआ स्वाति दीदी? संभल के, संभल के। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे मैं वो फोन फोन ला कर दो प्लीज। फोन ला दो प्लीज प्लीज। फोन Thank you.
कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं है। क्या है? बुरारी कुछ नहीं है। बुरारी छोड़ो, बुरारी देख। क्या है? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बुरारी वापस दे दो, वो स्वाति दीदी को चाहिए, दे दो ना। अरे तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। देखा नहीं उस दिन उस राजू को कितना मारा था? हाँ? चलो जाओ यहाँ से, चलो निकलो। बेटा, हमने भी सब कुछ किया है अपने जमाने में, पर तुम्हारे जैसा नहीं ढिढोरा पीट कर। पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? देखिए, पागल तो हो गई है, धीरे धीरे मौत भी आ जाएगी। बस हम इतना चाहते हैं कि मौत थोड़ी नेचुरल लगे, समझ गए? नहीं, मैं उन्हें, मुझे इस तरह खत्म नहीं करने दूंगी। मैं लड़ूंगी, और अरमान है कितने सारे, कभी जाऊं मैं आसमां पे, चुराऊं ये झिलमिल सितारे, अगर बस चले मुट्ठियों में, करूं बंद मैं ये नजारे, जीने की तमन्ना है दिल में, और अरमान है कितने सारे। पढ़ लिया बेटे? कभी कभी आने वाले खतरे का एहसास हमें पहले ही हो जाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हसमुख लाल स्वाति का हाथ मांगने आए थे। तो बात तय रही भाभी जी। जी, अब तो हम सीधे बारात लेकर ही आएंगे। क्यों बेटा स्वाति? क्यों नहीं, मैंने सब देख लिया। वास्तु, इस घर की वास्तु बिल्कुल ठीक है, पर अपने अजय के नक्षत्रों के हिसाब से अगर मामा लड़की पसंद आई या नहीं? पसंद आई, बस ये जानकर खुशी हुई कि बहु पसंद आई। खुशी तो हमें भी हो रही है। मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ कि आप कैसी बात कर रही हैं आप भाभी जी? आपने इस रिश्ते के लिए हाँ की है। आखिर कृष्णचंद्र जी हमारी पार्टी के एक एक्टिव कार्यकर्ता थे। कितनी खुशी की बात है कि हमारे बेटे अजय की शादी एक देशभक्त की बेटी से हो रही है। बहुत तैयारियां करनी है। हाँ, लेकिन स्वाति बिटिया की कुंडली के साथ अगर माताजी की कुंडली भी। मामा, हम चलते हैं। जी। एक मिनट, यह हमारी बहू के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है भाभी? अब ये लाल परिवार की बहू है, और फिर ये तो शुरुआत है, आगे देखिए, सोने में तोल देंगे हम आपकी बेटी को। नमस्कार। 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 नमस्ते। नमस्ते जी। क्या बात है बेटा, तुम खुश नहीं लग रही हो। माँ तुम खुश हो? बहुत। कितनी अजीब बात है ना माँ,
यहाँ लड़की के जाने पर खुशी होती है। ये तो बेटा दस्तूर है। माँ दस्तूर तो ये भी है कि रिश्ता बराबरी के घर में तय होता है। फिर हसमुख लाल जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन हमारे घर ही रिश्ता लेकर क्यों आए? कुछ भी सोचती हो बेटी, वो हमारे घर इसलिए आए क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी की इज्जत करते हैं। माँ कहाँ वो और कहाँ हम? बेटा ये तो उनका सौभाग्य है कि तुम उनके घर दुल्हन बनकर जा रही हो। अब तो तुम खुश हो ना? क्या बात है, नाराज हो? नहीं तो बस यूं ही वो क्या है? समझ गया, वो मिलन ने कॉल बैक नहीं किया होगा। वो उल्लू का पट्टा जब बिजी हो जाता है तो किसी की याद नहीं रखता। पर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। और तुम्हारी सासू माँ के लिए भी। ये तुमसे थोड़े बड़े हैं लेकिन क्या करूं, वाइफ जो ठहरी, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन रखना पड़ता है। वैसे मेरी सिलेक्शन कैसे लगी? वेरी गुड। पापा क्या लाल्स आपके क्लाइंट्स हैं? क्या बात है बेटे? नहीं वो आपने कभी बताया नहीं। उस दिन मैंने स्वाति का जिक्र किया तभी भी नहीं। बेटे ऐसे तो हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं। पापा मेरे पास ठोस सबूत है कि स्वाति ने आत्महत्या नहीं की। सबूत? जी हाँ पापा, ये स्वाति की डायरी है जो उसने मरने के पहले लिखी, मैंने पढ़ी है, प्रसाद ने लाकर दी। ये प्रसाद? मैंने आपको बताया था ना, मेरे कॉलेज का फ्रेंड, वी वर पार्ट ऑफ द टेरिबल ट्रायल। प्रसाद ये केस ओपन करना चाहता है। पापा वी हैव टू डू समथिंग फॉर हर। मेरी खातिर एक बार ये डायरी पढ़ लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है मैं पढ़ लूंगा। ओके थैंक यू पापा। सर ने बुलाया। हाँ आती हूँ। सर? हाँ आओ आओ बैठो। सर आपने पढ़ा? हाँ बेटे, मुझे बेहद अफसोस है तुम्हारे दोस्त के लिए। शी वॉज वेरी इल। पॉलिटिक्स में बहुत प्रेशर होता है बेटे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। पापा आपने शायद पढ़ा नहीं, उसे कैसे मारा गया था? She was murdered. Talk like a lawyer, Mridula. Don't call it a murder until it is proven. मैं समझ सकता हूं तुम पे क्या बीत रही है। एक डायरी किसी के पर्सनल ख्यालात होते हैं और पागलपन में आदमी कुछ भी लिख सकता है ना? सर वो पागल नहीं थी, उसे पागल बनाया गया था। दिस इज प्योरली गेसवर्क। तुम ये क्यों नहीं समझने की कोशिश करती कि हम और तुम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं? और तुम्हारे स्टैचर की लॉयर ऐसा कहे अच्छा नहीं लगता। आई एम टोटली सिंपैथेटिक विद योर फ्रेंड बट दैट डज नॉट मीन दैट वी शुड एक्ट लाइक सम इमोशनल फूल्स। इमोशनल फूल्स? पापा मैं स्वाति को जानती थी, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, इट्स इम्पॉसिबल। यही सच है पापा। सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। तो क्या स्वाति की मौत ऐसे ही चली जाएगी? उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? पापा मेरा जमीर कहता है कि इस डायरी में लिखी हर बात सच है। बेटा प्रोफेशन में कभी कभी जमीर को दबाकर आगे चलना पड़ता है। एंड जस्ट थिंक दिस इज सो एथिकली रॉन्ग। लाल परिवार हमारे क्लाइंट्स हैं, तुम्हें तो उनकी तरफ से सोचना चाहिए।
और स्वाति वो भी तो मेरी दोस्त थी। Granted, but there is no strong evidence जिससे ये साबित हो कि लाल दोषी है। This makes the case very weak. In fact, you don't have a case. लेकिन पापा, क्या आपको एक बार भी नहीं लगा कि उसे कितनी बेरहमी से मारा गया था? मृदुला, why are you repeating the same questions? मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि this diary says nothing. This is not even admissible in court. स्वाति लाल पागल हो गई थी और उस पागलपन की हालत में उसने आत्महत्या कर ली, यही सच है। लेकिन पापा, और ये प्रसाद कौन है? कैसा दोस्त है तुम्हारा जो मेरी गैरहाजिरी में तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करता है? Does he not know professional ethics? Now let's not waste any more time on this. तुम जाओ, वो सावित्री मूले की फाइल लाओ, मुझे उस पर काम शुरू करना है। सुन रही हो तुम? Yes, sir. ये मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। नहीं सर, मैं वापस कर दूंगी। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही हो? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है, बता दो ना। दरअसल मैं एक दौराहे पे खड़ी हूँ माँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरा समीर है और दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारी। गीता सार में लिखा है बेटा, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब दोहराए पे हो ना तो हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। लो आरती, लो मृदुला। प्रसाद, मृदुला बोल रही हूँ। स्वाति के केस की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, होम मिनिस्ट्री को और मैजिस्ट्रेट को लेटर्स लिख दो। वी आर ओपनिंग द केस। मैं लड़ूंगी और आंटी जी से ये कह दो कि स्वाति को इंसाफ मैं दिलाऊंगी। एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। साफ जाहिर है कि ये कोई साजिश है। देखिए, उन्होंने पर्सनल लेवल पे ये केस ओपन करवाया है। ये कोई पुलिस केस तो है नहीं? नहीं नहीं, है ना? पर आपको क्या लगता है कि अजय लाल की पॉलिटिकल केस का क्या? अरे नहीं भाई जी, कोर्ट केस ही तो है। आप चिंता मत कीजिए, एंटी सेपरेटरी बेल ले लिया है, सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, अरे बड़े बड़े मामले सुलटाए हैं भाई जी, इसमें तो दम ही नहीं है। प्रेस वालों का क्या है, बस अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और कुछ नहीं। जीजा जी, बात को इतने हल्के मत लीजिए। घोर शनि की दशा है अजय बाबू की कुंडली में। चार ब्राह्मणों का कॉन्ट्रैक्ट पास करवाना होगा पूल के लिए। जी 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 जी, मैं फोन करता हूँ भाई जी। प्रणाम भाई जी। क्या है पिताजी? क्या आप चुप कैसे बैठ सकते हैं? क्या हुआ? खून खौल रहा है मेरा। और क्या हुआ? ये दीपक खन्ना, ये ऐसा कैसे कर सकता है? अब क्यों आग बबूला हो रहे हो? मैंने तभी कहा था बहू की आत्मा के शांति के लिए कुछ करो, लेकिन नहीं, उसी का भूत दीपक के बहू के अंदर घुसा हुआ है। ए मामा, अपनी बकवास बंद करेगा तू? आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? अजय, संयम से काम लो। दीपक खन्ना बरसों से हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे भरोसे पे खड़े उतरे हैं। बुलाए हैं उनको, पूछ लेते हैं, आते ही होंगे। देखिए पिताजी, आपकी आदत है लोगों पर भरोसा करने की, लेकिन मुझे इस दफा उस दीपक पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आओ, आ जाओ।
आइए दीपक जी, आइए। नमस्कार। 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 ये आपकी बहू क्या नाच नाच रही है? देखिए, ये सब अचानक हुआ। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं उससे बात कर लूंगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बिलीव मी, डोंट वरी। वही तो मैं भी सोचूं। नाच नाचना है तो कहीं और जाके नाचे, हमारी छाती पे चढ़कर नाचने की क्या जरूरत है? ये आजकल की बहुएं ना बहुत तंग करती हैं। हमारी बहू ने भी तांडव रचाया था। अरे कोई है? नाश्ते पानी का प्रबंध करो। दीपक जी, मेरी मानिए, अपनी बहू को किसी महंत को दिखाइए, थोड़ा झाड़फूंक करवाइए। मामा, आप चुप रहोगे? जी। खन्ना साहब, आप उल्लू किसे बना रहे हैं? ये पिटीशन देना, केस फाइल करना, उसने आपके घर पे रहते हुए क्या? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? झुनझुना बजा रहे थे? तमीज से बात कीजिए। अगर मैं, अगर क्या? क्या अगर? अगर इस केस की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला ना, तो मैं आपकी। अजय, मैं दीपक जी से बात कर रहा हूं, तुम अंदर जाओ। आप जानते नहीं है मुझे। अंदर जाओ। नादान है, टिकट को लेकर परेशान है। आप अपनी बहू को समझाइए कि वो केस वापस ले ले। अरे आजकल के लड़कों के नाम पर गुस्सा बैठा रहता है। बैठिए। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मीटिंग है मेरी। सर, आपने बुलाया? हाँ, ये क्या पागलपन है बेटे? मैंने तुमसे कहा था ना कि स्वाति के केस को हाथ मत लगाना। लाल परिवार सालों से हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी इस केस में कोई दम नहीं है। इसलिए इस फर्म ने डिसाइड किया है कि तुम ये केस नहीं लड़ोगी, पीरियड। और मैंने ये भी सोच लिया है कि उत्तरा और तुम दोनों एक अच्छे हॉलिडे पर जाओ, जहां तुम्हारा दिल चाहे। गोवा जाना है, मॉरिशस जाना है, मालदीव जाना है। आज ही उत्तरा से बात करके डेट फिक्स कर लो और ट्रैवल एजेंट को इन्फॉर्म कर दो, वो सारे बंदोबस्त कर देगा। पापा, मैं ये केस लड़ूंगी। आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई अपनी बहू के साथ ऐसा करे? हाउ कैन दे? फॉर गॉड्स सेक, थिंक प्रोफेशनली। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस फर्म। तुम्हें वैसे भी ऐसा कोई केस नहीं लेना चाहिए जिससे तुम्हारी स्टैंडिंग पर असर पड़े, और ये बेकार लॉस केसेस हमारी फर्म की रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप पहले से ही क्यों तय कर रहे हैं कि मैं ये केस हारने ही वाली हूँ? क्योंकि वो लड़की मेंटली इम्बैलेंस थी, और वो डायरी भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। किसी भी अच्छे डिफेंस लॉयर के लिए ये प्रूव करना बहुत आसान होगा कि जो उसमें लिखा गया है सब मनगढ़ंत है। फॉरगेट इट। नो, आई कांट पापा, दिस इज टू पर्सनल फॉर मी। मृदुला, तुम ये केस नहीं लड़ोगी, दिस इज माई ऑर्डर। पापा, मुझे ये केस लड़ना होगा। पापा, जब तक हम पर नहीं गुजरती ना, तब तक हमें उस तकलीफ का एहसास नहीं होता। तुम इतनी सी बात समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम ये केस लड़ोगी तो तुम्हारे खिलाफ मुझे लड़ना होगा, और जानती हो इसका मतलब क्या है? हमें एक ही घर में दुश्मनों की तरह रहना पड़ेगा। इट विल अफेक्ट ऑल ऑफ अस, हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों, किस लिए? वो लड़की तो मर चुकी है ना। पर मेरा कॉन्शियंस तो जिंदा है ना। जिस प्रूफ पर तुम्हारा केस बनेगा वो मैं पढ़ चुका हूं, तुम्हारा केस कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। पापा, आपकी बातों से तो लगने लगा है कि आप उन क्रिमिनल्स को हर हालत में जस्टिफाई करेंगे, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। आप सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते। Damn it, मृदुला, why you acting so foolish? तुम जानते हो हमारी लड़ाई से कितने गड़े मुर्दे उखड़ेंगे? It doesn't matter. मैं लाल को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ठीक है, ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो कोई क्या कर सकता है? बट इन द बार्गेन, अगर तुम्हें कोई ठेस पहुंचे और यू गेट ह्यूमिलिएटेड, देन डोंट ब्लेम मी। पापा, यू लेट मी डाउन। कितनी उम्मीदें लेकर आई थी मैं आपके पास।
मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तुम्हें लेकर क्या क्या सपने देखे थे मैंने। प्लीज लीव फ्रॉम हियर, दिस फर्म डजंट नीड यू, यू आर सैक्ड। उन दिनों में आई ओनली यूज टू वेयर अ व्हाइट शर्ट एंड अ व्हाइट पैंट ताकि लोगों को समझ में ना आए कि मेरे पास कपड़े कम है। Really? और फिर मैं जब लॉ कॉलेज में दाखिल हुआ, देन फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड आई हैव कम टू द राइट प्लेस, क्योंकि कॉलेज के लिए मुझे नए कपड़े सिलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एनीवे, अपनी मेहनत और लगन से मैंने लॉ कॉलेज को टॉप किया। फिर क्या, तुम्हारे दादाजी ने मुझे अपनी फर्म में नौकरी दे दी एंड फ्रॉम देयर आई नेवर लुक बैक। I'm a self-made man, बेटे, and your दादाजी loved me for that, admired me for that. आप कितने intelligent और dynamic थे ना? थे? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है. Right. बेटे, I see the same spark in you. मेरा बेटा चाहे कुछ भी कहे, तुम उसकी बात मत सुनना. नहीं अंकल, मिलिंद ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा. वो तो मुझे encourage ही करता है. बस मैं ही sure नहीं हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए. लेकिन अपने करियर के बारे में कुछ तो सोचा होगा तुमने? जी हाँ, इधर IAS या मेजर इन सोशल सर्विसेज और देन प्रोबेबली लॉ। दिस इज इट, इट्स डन, यू विल मेक अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। लेकिन अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं है कि जब तुम छोटी थी ना, याद करो, सारे बच्चों में से तुम ही एक थी जो हर लड़ाई में फैसला करवाती थी। तुम्हारी समझदारी से एक दिन मैं इतना इंप्रेस हो गया। अंकल, यू आर एंबैरसिंग मी, प्लीज। नो नो, इट इज ट्रू, तुम सारे बच्चों में से सबसे ज्यादा क्लियर और एक्सप्रेसिव थी। मुझे तो उसी दिन यकीन हो गया था कि एक दिन तुम बहुत बड़ी लॉयर बनोगी। और देखो बेटे, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस दैट यू आर एंगेज्ड टू मिलिंद, दिस इज डेस्टिनी। सितारे तक यही चाहते हैं। और जरा सोचो, तुम लॉयर बनकर अपने दादाजी का नाम रोशन कर सकती हो, और तुम में वो सारी खूबियां हैं जो एक सक्सेसफुल लॉयर में होनी चाहिए। Think about it. कानूनी दाव पेश तो मैंने तुम्हें सिखा दिए, लेकिन प्रैक्टिकल होना नहीं सिखा पाया, तुम्हारी इमोशनल साइड को नहीं बदल पाया। सिर्फ जमीर के बल पर केसेस नहीं जीते जाते बेटे। Thank you.
पल है गम है जिंदगी फिर भी हम चाहते हैं तुझे मरते हैं तुझ पे हम हर तरफ से ही आ रही है सदा ढूंढ ले जीने की तू नहीं एक अदा पल है खुशी पल है गम चाहते हैं तुझे मरते हैं तुझ पे हम पल है गम है जिंदगी फिर भी हम चाहते हैं तुझे मरते हैं तुझ पे हम अच्छा हुआ ये जगह मिल गई हम लोगों को ये बुक्स यहीं रहने देते हैं हाँ ऑफिस के लिए जगह ठीक है ना बिल्कुल ठीक है आंटी कोई तकलीफ तो नहीं बेटे बिल्कुल नहीं थैंक यू एक्सक्यूज मी हेलो कम मृदुला दिस इज मिस्टर पंत प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नमस्ते हेलो आइए बैठे ना थैंक्स कुछ चाय या कॉफी कुछ लेंगे आप no, 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 कुछ भी thanks, नहीं thanks. कुछ तो लीजिए या प्लीज गो अहेड ही वाज इन द आर्मी ये कारगिल ने दिया है आई वाज शॉट हियर खैर आपका ये केस पढ़कर तो लगता है कि पहले तो हमें अंदर के दुश्मनों से जंग लड़नी पड़ेगी ये शायद उस जंग की शुरुआत है वी नीड योर हेल्प श्योर इन्होंने जो बताया था इसमें एक नौकर का जिक्र हुआ था जिसे बहुत पीटा गया था राजू नाम बताया था हाँ राजू करें मेरे तजुर्बे के हिसाब से लाल जैसे लोग ऐसे लोगों को निकालते नहीं हैं बल्कि रखते हैं ताकि बाकी के लोगों पर उनकी दहशत बनी रहे हो सकता है ये नौकर इस केस के लिए एक अहम कड़ी बन सके सॉल्व करने के लिए मैं वो लीड फॉलो करता हूं बस इतना ध्यान रखिए कि हमारे पास वक्त बहुत कम है जी कहिए मेरा नाम पंत है मैं हेराल्ड न्यूज़पेपर का रिपोर्टर हूं ओम प्रकाश जी से मिलना है यहाँ ऐसा कोई नाम नहीं है क्या बात कर रहे हैं जरा ठीक से देखिए ना देखिए वो क्या वो है ना अच्छा ठीक है जाइए
सर ओम प्रकाश जी को देना। मैं पंत हूँ, हेरल्ड न्यूज़पेपर में लिखता हूँ। अच्छा, शायद फोन पे हमारी अपॉइंटमेंट की बात हुई थी। हाँ, पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपकी पार्टी का औरतों के रिजर्वेशन सीट पे क्या स्टैंड है? देखिए भाई, इस बार में तो पार्टी की बैठक हुई नहीं है, जैसी होती है हम अपना स्टैंड जाहिर कर देंगे। लीजिए। चीनी है ना राजू इसमें? मैं बोला साहब, राजू नहीं। सॉरी सॉरी, बाहर किसी ने नौकर को राजू पुकारा, मुझे लगा यही राजू है। भाई हमारे यहाँ एक नौकर थोड़ी ना है। अरे भोला, जरा एक मावा लेके आना। भाई स्टैंड वैंड की बातें तो होती रहेंगी, आप कुछ हमारे बारे में पूछिए। अरे आप साहब, भोला वो राजू कहाँ है? राजू वो तो बंगले में साहब। बाहर आ सकता है क्या? आप तो अखबार वाले साहब, आपको उससे क्या काम? काम है, कुछ खतरा हो सकता है साहब। अब तो कोई खतरा नहीं। नहीं साहब, मैं से भेजता हूँ, यहाँ पे भेजू? यहीं पे भेजना। बस एक सेकंड के लिए अपनी सारी जिंदगी आंखों के सामने आ गई। कुछ साल पहले हम सब कितने कैफ्री मस्त टीनेजर्स हुआ करते थे, जिंदगी कितनी सुनहरी लगती थी, एवरीथिंग वाज फाइन। हाँ याद है, कितनी मस्ती किया करते थे बिना बताए, रात रात भर घर के बाहर फ्रीक आउट किया करते थे। We'll be right back.
सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर एंड पनिशमेंट एंड सेक्शन 34A क्राइम विद कॉमन इंटरेस्ट. इसके तहत तो मैं हसमुख लाल और अजय लाल को घसीटी लूंगी. हेलो, हाँ पंची बोलिए. हमारी लीड बिल्कुल सही निकली है. याद है मैंने राजू का जिक्र किया था, उसी के जरिए मैं मुरारी तक पहुंच गया हूँ. मुरारी? कौन मुरारी? उन्हीं का एक नौकर है, काफी कुछ जानता है, एक अहम गवाह बन सकता है हमारे लिए. वो गवाही देने के लिए राजी है. That's great. Very good work. थोड़ा डरा हुआ है. पंची उसे कहिए कि वो डरे नहीं. हम उसका नाम अंडर कवर रखेंगे और उसके प्रोटेक्शन का भी इंतजाम करेंगे. बस एक बार उसका स्टेटमेंट आ जाए तो हमें ट्रायल से कोई नहीं रोक सकता. डन. थैंक यू. बैठिए. हाँ कहिए. देखिए दीपक जी, अब बहुत हो गया. आपकी बहू हमारे घर वालों से पूछताछ कर रही है. देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है. केस तैयार करने के लिए उसे ये सब करना पड़ेगा. अरे आप उसके ससुर हैं. आप मैं कहता हूं दो लगाओ खींचकर और घर पे बिठाओ. ये ज्यादा कानून मत झाड़ो मेरे सामने. अजय किसके सामने कैसे बात करनी चाहिए इसकी तमीज होनी चाहिए आपको. अरे लेकिन तो बाबूजी बाहर जाओ. मैंने कहा बाहर जाओ. दीपक जी मेरे कहने का मतलब यह है कि हम मुश्किल में हैं और उसकी वजह है आपकी बहू. यही होता है पढ़ी लिखी बहू बेटियां होने का नतीजा. समझाइए उसे. अगर ये केस डिसमिस नहीं हुआ तो अजय के चुनाव जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. अब इसका ख्याल कीजिए. मैं कब तक समझाऊंगा. जो भी कीजिए जल्दी. देखिए इस वक्त चाहे आप मुझ पर विश्वास करें ना करें, लेकिन इस बात पर आपको भरोसा करना चाहिए कि मैं आज तक एक भी केस हारा नहीं. विश्वास है. और मैं यह भी जानता हूं कि मेरे सारे केसेस, सौदे, कारोबार के वकील आप ही हैं. शुरू से समझिए ना. आ रहा हूं. दीपक जी अब आप बहू को समझाइए या केस जीतिए, जो भी कीजिए जल्दी कीजिए. हमारा महिला मुक्ति संगठन तो कई सालों से इस फील्ड में है और हम तो ये भी चाहते हैं कि यदि किसी केस में विक्टिम बदकिस्मती से जिंदा ना हो तो भी उसके गुनहगार को सजा दिलाने के लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए. हम इस केस में आपकी हर तरह से मदद करेंगे. इस वक्त तो आप लोग पब्लिक का मत हमारी फेवर में कर दें तो बहुत अच्छा होगा. सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कीजिए. वो तो हो जाएगा. क्या आपको पता है कि अजय लाल का उसके कैंपेन मैनेजर रतिकांत पांडे की बीवी के साथ कुछ चक्कर है? अरुंधति पांडे नाम है उसका. जानती हूँ. क्या रतिकांत पांडे आपके किसी काम का हो सकता है? अगर वो प्रोसिक्यूशन का फिटनेस बन जाए तो. मगर उससे पहले मुझे उसे मिलना होगा. हम आपकी मीटिंग फिक्स करवा देंगे. अच्छा तो हम चलते हैं. नमस्कार. नमस्कार. नमस्ते. नमस्कार. चले. मिले तुम कब आए? एक एक फोन तो किया होता. आई डिडंट इवन नो दैट यू. मृदुला वी नीड टू टॉक. ऊपर चले. हाँ चलो. कम.
मृदुला, हमने कभी भी पापा के काम में इंटरफेयर नहीं किया है। ही नोज व्हाट इज द बेस्ट। और तुमने उन्हीं को चैलेंज कर दिया? ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से घर की पूरी खुशी चली जाएगी, पूरी शांति चली जाएगी? मिलिंद, मेरी बात सुनो। स्वाति को मार दिया गया है, उसके साथ ना इंसाफी हुई है, ये सब जानते हुए भी मैं क्या चुप बैठी रहती? आखिर आई हैव टू फाइट। दुनिया में बहुत सारी ना इंसाफियां हैं, क्या उन सबके अगेंस्ट तुम झंडा लेके पहुंच जाओगी, चाहे अपना घर बर्बाद हो जाए? ये फैसला तुमने किससे पूछ के कर लिया? मैंने किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा। मैं उसे जब चाहूं बुला सकता हूं, आखिर वो मेरा बेटा है। तो मृदुला भी आपकी ही बहू है ना? मैंने मृदुला से कहा था कि वो मिलिंद को ना बताए, उसने नहीं बताया, लेकिन आपसे रहा ना गया। ओहो, आखिर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? किसी घर में खुशी पाने के लिए घर के लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने की आजादी होनी चाहिए। मृदुला को लॉय बनने के लिए आप ही ने तो पुश किया था, तब आपने मिलिंद से कहा। आपका फर्म ज्वाइन करने के लिए आप ही ने तो मृदुला से कहा था, तब आपने मिलिंद से कहा। नहीं ना, तो अब क्यों कहा? क्यों का क्या मतलब है? स्वाति मेरी दोस्त थी, मैं उसके खूनियों को सजा दिलाना चाहती हूँ, क्या ये वजह काफी नहीं है? वो मेरी दोस्त थी, damn it! Watch your language. I'm your husband. And I'm your wife. तुम मुझसे ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? डिसीजन लेने से पहले मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, जब तुमसे कांटेक्ट नहीं हुआ तब मैंने वही फैसला लिया जो मुझे लगा सही था। You have to respect that, Milind. मेरे क्लाइंट्स के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? And you women, ये मत कहो, ऐसा कहो, इससे कहो, उससे मत कहो। What am I supposed to do? क्या करूं मैं? कोर्ट में सर झुकाकर कहूं कि मेरी प्रेग्नेंट बहू बेवकूफ है, मेरा परिवार मेरे कंट्रोल के बाहर है, क्या कहूं मैं? ओह, तो ये प्रॉब्लम है, आपके ईगो को ठेस पहुंचती है। लाल जैसे क्रिमिनल्स के सामने आपको अपना ईगो बनाए रखना है, राइट? लोगों को कंट्रोल करना है, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को कंट्रोल करके आप प्यार और इज्जत नहीं पा सकते। मुझे जो पाना है मैं पा लूंगा, पर तुम औरतों की बातें सुनकर नहीं। हाँ। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए अपना फैसला बदल डालो। It's too late. Obviously, मेरे पापा है ना, इसलिए अपने घर पे होती तो ऐसा करती क्या तुम? ऐसा ही करती। स्वाति की मौत मेरे लिए एक पर्सनल रीजन है ऐसा करने के लिए, और अगर पापा ये केस लड़ रहे होते तब भी मैं ऐसा ही करती। जो गलत है सो गलत है मिलिंद। मृदुला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सही गलत क्या कह रही हो तुम? होश में आओ, तुम पापा पर इल्जाम लगा रही हो, पागल तो नहीं हो गई तुम? पागल? हाँ, जो सच कहे वो पागल है। पागल तुम हो मिलिंद। गलत कौन है? वो लाल जैसे लोग जो इंसान को मौत देते हैं, और उनको धिक्कारने के बजाय तुम मुझ पे ऐसे ही पागल कर दिया था स्वाति को भी। और अगर तुम मुझे सच का साथ देने के लिए पागल कहते हो तो कहो। मृदुला, मेरे कहने का मतलब था, कितना आसान है तुम लोगों किसी को पागल कह देना। बस करो तुम दोनों, ये सब क्या हो रहा है? मृदुला, अपनी हालत का जरा सोचो। और तुम अपने पापा की सुन ली और चिल्लाने लगे इस पर? मिलिंद, तुमने पूछा इसने ये डिसीजन क्यों लिया? शायद इसका कोई जायज कारण हो सकता है। दिस इज नो वे टू बिहेव। क्या हुआ? सब ठीक है ना? अब तक तो ठीक है। Good morning. हाँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जो मैंने कहा था। हाँ ठीक है। गुड गुड। Thank you.
केस नंबर 204 ऑफ 2002 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस हसमुख लाल एंड अजय लाल स्पेशल प्रोसिक्यूटर मृदुला खन्ना एंड काउंसिल दीपक खन्ना फॉर डिफेंस द प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड योर ऑनर डेट 12 दिसंबर 1997 जिस दिन स्वाति की शादी अजय लाल के साथ हुई थी उस दिन स्वाति को यह समझ में नहीं आ रहा था कि शहर के सबसे ताकतवर राजनीतिक खानदान ने उसे ही क्यों चुना है बहू बनाने के लिए और उस दिन से शुरू हुआ एक फरेब और धोखे का सिलसिला जिसने एक मासूम लड़की के सपनों को ही नहीं बल्कि उसके सारे वजूद को ही मिटाकर रख दिया। अजय लाल ने स्वाति के साथ सिर्फ इसलिए शादी की ताकि अरुंधति पांडे और उसके बीच के अफेयर के ऊपर वो पर्दा डाल सके। जब स्वाति को इस बात का पता चला तो लाल ने उसे कुछ ऐसी दवाइयां दी जिससे स्वाति के दिमाग पर असर पड़ने लगा। उसे पीटा गया और उससे किसी से मिलने भी नहीं दिया गया। एक दिन स्वाति ने हसमुख लाल और अजय लाल को एक आदमी को धमकाते हुए देखा। उस रात को उस आदमी की लाश मिली। इस डर से कि कहीं स्वाति उनका पर्दाफाश न कर दे अक्यूज्ड हसमुख लाल और अजय लाल ने उन्हीं दवाइयों का ओवरडोज देकर स्वाति को मार डाला। इनका दावा है कि स्वाति ने आत्महत्या की। अगर मान ले कि स्वाति ने खुद दवाइयां ली भी तो ये दवाइयां आई कहां से? ये दवाइयां डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती और कोई भी डॉक्टर इतनी ज्यादा क्वांटिटी एक साथ प्रिस्क्राइब भी नहीं करेगा। इस बात को पुलिस ने साफ नजरअंदाज कर दिया। स्वाति की जिस डायरी को मैंने कोर्ट में पेश किया है उसमें से हमें कई सारे लीड्स मिलते हैं जिन्हें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट तक नहीं किया। अरुंधति पांडे, मनोज सोलंकी और राजू जैसे नाम पुलिस की रिपोर्ट तक में भी नहीं है। क्यों? और शायद यही वो वजह है कि पुलिस उस चश्मदीद गवाह को पहचान नहीं पाई जिसने खुद अपनी आंखों से अजय लाल को स्वाति को वो दवाइयां खिलाते हुए देखा है। उस गवाह का स्टेटमेंट हमने कोर्ट के सामने रखा है और चूंकि हमें डर है कि उस गवाह की जान को खतरा हो सकता है हमने उसे अंडरकवर रखा है। इस गवाह के नाम को छुपाने की परमिशन कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को ग्रांट की है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोसिक्यूशन का यह मानना है कि स्वाति की मौत आत्महत्या नहीं थी। शी वॉज मर्डर्ड। दस द प्रोसिक्यूशन मूव्स द कोर्ट टू चार्ज द अक्यूज्ड हसमुख लाल एंड अजय लाल under IPC section 302 and section 34 common intention. Thank you, your honor. आप इन इल्जामों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सारे इल्जाम गलत और बेबुनियाद हैं। सारे डिपोजिशंस और प्रोसिक्यूशन के स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अजय लाल और हसमुख लाल विल बी ट्राइड अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 34 क्राइम विथ कॉमन इंटेंशन। आप चलो, इंतजार कर रहा हूं।
Sir, comments on the day's proceedings? There is no comment. कोई केस ही नहीं है. It'll be dismissed, you'll see. सर, आपने कह तो दिया केस डिसमिस हो जाएगा, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन के पास गवाह हैं, जिनकी आइडेंटिटी हिडन है, उससे आपके चांसेस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सर, आपकी बहू आपके खिलाफ केस लड़ रही है, उसकी कोई वजह? नहीं, कोई वजह नहीं. इट्स प्योरली हर प्रोफेशनल डिसीजन. थैंक यू जेंटलमैन. अरे, दोनों मिलकर पैसे ऐंठ रहे होंगे और क्या. हाँ नहीं, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा. मिस्टर खन्ना, ये अंदर चलो, अंदर चलो. मेरे परिवार की नुमाइश लगाने चली है आपकी बहू. मुस्कुराना छोड़कर बेहतर होगा कि आप पता लगाने की कोशिश करें कि ये बेनामी गवाह कौन है. लाल साहब, ये कानूनी दाव पेच है. देखिए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. आप क्यों फिक्र करते हैं? गवाह कोई भी हो, केस हम जीतेंगे. बेहतर होता कि आप उसे समझाते, मजबूर करते कि वो केस वापस ले लें. अरे आइए आइए रतिकांत जी, कैसे हैं आप? बस दुआ है आपकी. शुक्ला जी, आइए बैठिए. थैंक यू. कहो, क्या खबर लाए हो? वो दीपक खन्ना, उसकी बहू मृदुला. हाँ, वो मुझसे कल मिलने आई थी. अच्छा. मेरी बीबी और अजय बाबू के बारे में कुछ कह रही थी. मैंने उसे ऐसा घुमाया कि बेबाक रह गई. अपने साथ एक भाड़े का टट्टू लेकर आई थी, एक बेवकूफ सा जासूस. उसे बड़े जोर का धक्का लगा जब मैंने उसे यह बताया कि जो महिला संगठन से मिलने आया था, एक्चुअली वो अपोजिशन के लोग थे. क्या कह रहे हो? जी सही कह रहा हूं, उसकी शक्ल देखने लायक थी. ओ बेचारी. मैं राजनीति में ऐसे थोड़ी आया हूं सर. ऐसे नौसिखियों को एक सेकंड के अंदर पूरी बिस्तर बंधवा के चलता करवा दूं. वो तो ठीक है, लेकिन ये अपोजिशन वाले उससे इतना क्यों सट रहे हैं? वो जवान है, खूबसूरत है, लोग उससे नहीं सटेंगे तो क्या हमसे चिपकेंगे? हम लोग यहां उस लड़की पर हंस रहे हैं, लेकिन उसने लाल के खिलाफ केस ओपन कर ही दिया. कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा इस केस का. आज तक लाल साहब के खिलाफ कुछ हुआ है क्या? देखते हैं. हम भी इस केस पर करीब से नजर रखते हैं. मुंबई हाई कोर्ट ने आज अब तक के सबसे चर्चित स्वाति लाल हत्याकांड केस की सुनवाई की अगली तारीख की घोषणा कर दी. ये सुनवाई कल होगी. ये केस इसलिए भी इतना चर्चित रहा है क्योंकि केस दायर करने वाली मृदुला खन्ना आरोपियों के वकील दीपक खन्ना की बहू हैं. अंदेशा लगाया जा रहा है कि परिवार के बीच की ये लड़ाई कहीं उनके डाइनिंग हॉल में ही दबकर ना रह जाए. पेश है एक विस्तृत रिपोर्ट. मुरारी की गवाही से इनका तख्ता पलट जाएगा. और पंत उसे ठीक गवाही के वक्त लेके आएगा. अरे पंत जी, आप? मुरारी लापता है. अब क्या होगा? आप निराश मत हो, आप अपना केस फाइट कीजिए. मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसे ढूंढने के लिए. डोंट वरी. ओके, ठीक. ऑल द बेस्ट. आप आ रहे? मैं आ रहा हूँ. आप जाइए. मैं आ रहा हूँ. जाइए. आप स्वाति से आखिरी बार कब मिली थी? उसकी मौत से कुछ 10 महीने पहले. तब स्वाति की दिमागी हालत कैसी थी? वो बिल्कुल ठीक थी. फिर आपको कब पता चला कि स्वाति बीमार है?
जब बहुत दिनों से उसकी कोई खबर नहीं आई तो मैं उनके घर गई थी। उस वक्त पता चला कि उसे कोई प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर आपने क्या किया? मैं तो उसे मिलना चाहती थी, लेकिन तब उन्होंने बताया कि इलाज कराने के लिए उसे अमेरिका ले गए हैं। बाद में पता चला उसे घर के अंदर ही कैद कर रखा था। आई हैव नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। दिस इज टोटल हर पॉइंट ऑफ व्यू, इससे कुछ नहीं साबित होगा। अब देखते हैं सर क्या करते हैं। एक बात बताइए मिसेज आजाद, ये प्रसाद आपकी मदद इतनी क्यों कर रहा है? शायद प्रसाद को भी लगता होगा कि स्वाति के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए उन खूनियों को सजा दिलानी ही चाहिए। और कोई कारण नहीं है? मेरा मतलब है स्वाति और प्रसाद का कोई अफेयर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। मिसेज आजाद, ये जानते हुए भी कि लाल्स का सोशल स्टेटस आपसे कई ऊपर है, फिर भी आपने शादी के लिए हाँ कर दी, क्यों? हाँ तो उन्होंने ही मांगा था, सब जानते हुए, तो मैं क्यों मना करती? और हमारी सिचुएशन किसी से छुपी हुई तो नहीं थी। लेकिन आपके बैंक स्टेटमेंट्स के हिसाब से स्वाति की शादी के बाद हर 3-4 महीने में स्वाति के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे, और वो भी हर बार 1,00,000 रुपए। मैंने तो उसे मना किया था पर। हाँ या ना? हाँ, लेकिन वो... आपको शर्म नहीं आई मिसेज आजाद अपनी बेटी के ससुराल वालों से पैसे मांगते हुए? मैंने उनसे कभी पैसे नहीं मांगे, ये तो स्वाति की जिद थी। मैं आपको कैसे समझाने की कोई जरूरत नहीं, हमें सब समझ आ गया। आपने अपनी बेटी की शादी अजय लाल से सिर्फ उनसे पैसे इटने के लिए की थी, और इस साजिश में प्रसाद भी शामिल था। ऑब्जेक्शन। और जब स्वाति का असली रूप लाल परिवार के सामने आया तो उसने पागल होने का नाटक किया, क्या ये सच नहीं है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवरूल। प्लीज कैरी ऑन। और क्योंकि स्वाति के मौत के कारण आपके पास अब पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं रहा, इसलिए आपने ये केस करने की सोची? नहीं, ऐसा नहीं है, ये झूठ है। ये सच है, पैसे के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों को दांव पर लगाकर पैसा कमाना ये तो बहुत ही घटिया हरकत है मिसेज आजाद। ये आपने सोचा भी कैसे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी, मुझे क्या मालूम था ऐसा कुछ होगा। मैंने तो अपनी बेटी को भी खो दिया है। No more questions, Your Honor. जल्दी चलो, खन्ना साहब ने प्रसाद नाम की किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया है। आज वो अंडरकवर विटनेस को भी प्रेजेंट किया जाएगा। Hope we don't miss the fireworks. शादी के बाद आप स्वाति से बातें करते थे फोन पर? नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं था स्वाति रहती किधर है। शादी के बाद हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। स्वाति की आत्महत्या के बारे में आपको कैसे पता चला? न्यूज़पेपर से। मैं ये जानता था स्वाति कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, इसलिए मैं वापस आया, आंटी से मिला, और जब मैंने डायरी पढ़ी तो मुझे सच्चाई का पता चल गया। क्या कहता था मैं? उस डायरी में लिखी बातें एक मेंटल पेशेंट की बातें हैं। उन बातों को पढ़कर आप इतना परेशान हो गए? या फिर सच यह है कि आपने और स्वाति ने मिलकर एक प्लान बनाया था जिसमें उसकी मां भी शामिल है? ऑब्जेक्शन। ओवररूल। ये झूठ है। तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। बिजनेस के लिए काफी सारे रुपयों की जरूरत होती है, तुम्हें रुपए कहां से मिले? मैंने बैंक से लोन लिया था। बैंक तुम्हें लोन कैसे दे सकता है? तुम्हारे पास गारंटी के लिए कुछ था ही नहीं। उन्होंने मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी और लोन सैंक्शन कर दिया। झूठ। स्वाति ने कॉरपोरेशन बैंक के मैनेजर पर दबाव डाला, तब जाके आपका लोन सैंक्शन हुआ। उसका रिटर्न स्टेटमेंट है मेरे पास। ये झूठ है। मैं बैंक मैनेजर के साथ लंच कर रहा था और स्वाति वहां अचानक आ गई। स्वाति बैंक मैनेजर को जानती जरूर थी, बट लोन के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। झूठ। कितना झूठ बोलेंगे आप? अभी अभी आपने कोर्ट से कहा था कि शादी के बाद आप स्वाति से कभी नहीं मिले। मिस्टर प्रसाद, अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे की बीवी बनाकर उससे पैसे ऐंठने का प्लान आपको कैसे सूझा? कैसे आदमी हैं आप? कभी कभी शीशे में देखकर आपको अपने आप से घृणा नहीं होती? ऑब्जेक्शन। ये सवाल नहीं, इल्जाम है। सस्टेन्ड। आज द क्वेश्चन काउंसिल।
सच सच बताइए, आपका और स्वाति का क्या प्लान था? कोई प्लान नहीं था, प्लीज बिलीव मी। स्वाति की याद को इस तरह मैला मत कीजिए, प्लीज। नो फर्दर क्वेश्चंस। प्रोसिक्यूशन, योर नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त है कि कोर्ट को अजर्न किया जाए, क्योंकि हमारा जो प्राइम विटनेस है जिसे अंडरकवर रखा गया था वो लापता है। योर ऑनर, ये प्रोसिक्यूशन की कोई चाल है, वो केस को टालना चाहते हैं। इनका गवाह कोई दूध पीता बच्चा है जो लापता है। सर, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, डिफेंस ऑब्जेक्ट्स। वेल, रिक्वेस्ट ग्रांटेड, द कोर्ट इज अजर्न टिल जुलाई 25th। तुम जाके वो पता करो। जी हाँ, ओके। आंटी जी, आई एम वेरी सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। बेटे, हार मत मानो। उस दिन जब हमने ये केस लड़ने का फैसला किया था, उसी दिन मैंने अपने आप को इन सब चीजों के लिए तैयार कर लिया था। बेटे, जहां तक हो सके हम लड़ेंगे, इसलिए नहीं कि हमें जीतना है, इसलिए कि हमें लड़ना है स्वाति के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। हाँ मृतुला, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सब तो छोटे मोटे सेटबैक्स हैं। स्वाति के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और ये प्रिस्क्रिप्शन, इससे तो हमें बहुत मदद मिल सकती है। आइए आइए आइए, घबराइए नहीं, आइए। ये राधा के पिता हैं भिकू, इन्होंने वो डायरियां ला के दी थी। ये मृदुला जी हैं और ये प्रसाद जी। नमस्ते। नहीं साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा ना, डरो मत। कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरी एक ही बेटी है। कुछ नहीं होगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। दीदी, उन लोगों ने मेरी बेटी को गांव में भेज दिया है, उसको कुछ होगा तो नहीं? नहीं नहीं, बस वो लाल यूं ही घबरा गए हैं, और राधा को कुछ भी करेंगे तो वो खुद भी फंस जाएंगे। राधा ने कभी आपको स्वाति जी के बारे में कुछ कहा? अब हाँ, मैं वही साहब को बताया था। स्वाति मैम सबको वो बहुत चाहती थी, कहती थी वो बड़ी अच्छी है, बाकियों की तरह नहीं। हमारे घर में भी आई थी एक दिन, जब मैं बीमार था, एक अच्छे डॉक्टर के साथ। उनकी दवा से मैं एकदम ठीक हो गया। क्या उसने कभी आपको बताया कि वो स्वाति के साथ कैसे पेश आते हैं, उस पे क्या क्या ज्यादती करते हैं? हाँ, एक दो बार बोली थी, बोलती थी मैम साहब बहुत बीमार है, उनको पागलपन का दौरा पड़ गया है। और कुछ नहीं? और एक दिन डरी हुई घर आई, उस दिन उसकी छुट्टी थी, ज्यादा कुछ बोली नहीं, किताब साथ में लेके आई थी, मुझे किताब दिया और बोली संभल के रखना। मेरे को कुछ पता नहीं था, मैंने वो किताब संभल के रख दिया था। फिर एक दिन मैम साहब मर गई, फिर कुछ दिनों बाद घर आई और मेरे को बोली कि वो किताब ऐसी जगह पे छोड़ देना। मैंने छोड़ दी, यहीं छोड़ दी थी, यही है वो किताब। क्या इसलिए राधा को गांव में भेज दिया? नहीं नहीं नहीं, उनको ये सब पता ही नहीं। दरअसल मैं उनके नौकरों से इंट्रोगेशन कर रहा था, तो शायद उनको डर लगता होगा कि राधा को जुगल ना दे, इसलिए शायद मैं गांव जाकर राधा से बात करूंगा। नहीं नहीं साहब, आप गांव मत जाइए, उनको पता चला तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। राधा मेरी एक ही बेटी है। नहीं भिकू जी, आप चिंता मत कीजिए, राधा को कुछ नहीं होगा। आप राधा का गाँव का एड्रेस दे दीजिए। नहीं, मुझे पता नहीं। क्या आप नहीं चाहते कि स्वाति के खूनियों को सजा मिले? खून? हाँ,
मार डाला उसे उन्होंने। वो पागल नहीं थी, दवाइयां खिला खिला कर पागल कर दिया उसे, और ये सिर्फ राधा ही जानती थी। भीकू जी, याद कीजिए कि स्वाति आपके साथ अच्छी नहीं थी। राधा भी तो कहती थी, क्या नहीं किया है उसने आप लोगों के लिए, क्या आप उसके लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है, पता लिख लीजिए। पार्टी हाई कमांड को यह लगता है कि आपकी इस केस की वजह से सारी पार्टी का इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ रहा है। ग्रास रूट पे जो पार्टी वर्कर्स होते हैं ना, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो तो वही समझेंगे जो आप समझाएंगे। हमारी पार्टी एक परिवार की तरह है, उसके कार्यकर्ता उसके छोटे सदस्य की तरह। घर के छोटे सदस्य बड़े सदस्यों की गलती माफ कर देते। और जो पार्टी वर्कर्स आपकी बहू की तरह चुप नहीं बैठे तो उनका क्या करना चाहिए? छोड़िए इन बातों को। भाभी जी कैसी हैं? अभी तक भाभी हैं या शादी कर ली? हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? आप ही लोग हैं जो तकिए पे लेट के मशवरा देते हैं। अगर उतारने पे आ जाऊं ना तो छुपाने के लिए लंगोट तक नहीं मिलेगा। समझा दीजिए उन नेताओं को, यहां के बादशाह हम हैं, वो अपनी कुर्सी संभालें और ये पार्टी स्टैंड और ये पॉलिसी की थौस न दें। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं करेंगे। देखिए, नहीं करेंगे। क्या उखाड़ लोगे बोलो? बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे हांकने वाले। देखो, इस बार हमारे शहर में आए तो मुफ्त की चाय नसीब हुई। आइंदा से अगर ऐसी बात लेकर यहां आए ना, नंगा दौड़ा कर मारेंगे। पार्टी हाईकमान। हसमुख जी, इस ऑफिस में कई दिनों से पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ है, करवा लीजिए, नहीं तो दीमक अंदर से खोखला कर देगी। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से स्वाति की प्रॉब्लम एक्चुअली क्या थी? डिप्रेसिव साइकोसिस। जरा आम भाषा में समझाइए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट डिप्रेसिव हो जाता है, और इस हालत में पेशेंट को अपने आसपास अजीब अजीब घटनाओं का भ्रम होने लगता है। यहाँ तक कि पेशेंट अपनी दवाइयों का अडिक्ट हो जाता है और कंपल्सिवली अपनी दवाइयाँ खाना चाहता है। तो ऐसी मानसिक हालत में ये हो सकता है कि उससे लगे कि कोई उसका खून करना चाहता है? हाँ, यही नहीं बल्कि उसके दिमाग में और भी बहुत से ख्याल आ सकते हैं। और ऐसी हालत में उसे यह भी भ्रम हो सकता है कि उसके पति का किसी और औरत के साथ अफेयर है। 70% शादीशुदा औरतों के केस में यही सिम्टम्स शुरुआती होते हैं। That's all your honor. पहली बार आपने स्वाति को कब ट्रीट किया था? जून लास्ट वीक 2002। झूठ! आपने पहली बार स्वाति को तब ट्रीट नहीं किया था जब वो सीढ़ी से गिरी थी फार्म हाउस के बाहर? हाँ, वो सिर्फ एक हेयरलाइन फ्रैक्चर के लिए मैंने उन्हें ट्रीट किया था। मुझे लगा आप डिप्रेसिव साइकोसिस के बारे में बात कर रही हैं। वो मुझे जून में जाके समझ आया था। मतलब स्वाति फार्म हाउस के बाहर गिरी थी? ऑब्जेक्शन लीडिंग सस्टेन्ड। कौन से दिन को स्वाति का फ्रैक्चर हुआ था? वो ही जब फार्म हाउस के बाहर सीढ़ी से गिरी थी? ऑब्जेक्शन लीडिंग। आई हैव टू वार्न यू काउंसल। आप सवाल के पहले हिस्से का जवाब दे सकते हैं। कौन सा पहला हिस्सा? दिस इज डिलिबरेट योर ऑनर। रिपीट योर क्वेश्चन। यस योर ऑनर। स्वाति को हेयरलाइन फ्रैक्चर कौन सी डेट पर हुआ था? जनवरी फर्स्ट वीक 2002। और आपने फ्रैक्चर के लिए कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब की थी? फ्रैक्चर के लिए कोई दवाइयां नहीं होती, मैंने उन्हें सिर्फ फोर्टविन पेनकिलर इंजेक्शंस दिए थे। ये इंजेक्शन आपने उसे लगातार 5 दिन दिए,
क्यों? याद नहीं आ रहा, शायद दर्द कम नहीं हुआ था। और जून में डिप्रेसिव साइकोसिस के लिए स्वाति को आपने कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब की थी? मैंने उन्हें पेंटाजोकेन, फ्लूडेक और सिरिनस दिया था। पेंटाजोकेन, यहां मेरे पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का जर्नल है जिसमें पेंटाजोकेन के बारे में लिखा है दैट इट इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। इसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि इट एक्ट्स लाइक अ ड्रग ऑन द ब्रेन, कैन बी एडिक्टिव, एक्सेसिव कंजम्पशन कैन बी फेटल। योर ऑनर, काउंसिल कोर्ट को दवाइयों के बारे में क्रैश कोर्स ना दे तो बेहतर होगा, इससे कोर्ट का वक्त जाया होता है। प्लीज कम टू द पॉइंट क्विकली। ये डॉक्टर सिन्हा का प्रिस्क्रिप्शन है और इस पे इनके दस्तखत भी हैं। इस प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी प्रोसिक्यूशन ने अदालत में भी सबमिट की है। इस प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर सिन्हा ने स्वाति को यही ड्रग प्रिस्क्राइब किया है। ये प्रिस्क्रिप्शन हमें स्वाति के घर से मिला और इस पे डेट 2 फरवरी की है। डेट गलत भी हो सकता है, ये तो आप ही की हैंडराइटिंग है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सिन्हा, स्वाति ने तब तक डिप्रेसिव साइकोसिस के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाए थे, फिर किस बेसिस पर आपने उसे वो प्रिस्क्रिप्शन दिया ताकि वो ड्रग एडिक्ट हो जाए, उसे विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे और उसकी वजह से वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगे? आंसर मी डॉक्टर सिन्हा। मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं आ रहा। इन्हें याद नहीं आ रहा तो क्या आप नशे में थे जब आपने उसे वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिए थे? योर ऑनर ऑब्जेक्शन, ये किस तरह का इल्जाम है? डिफेंस काउंसिल शायद भूल रहे हैं कि इस तरह के कई इल्जाम इन्होंने खुद भी लगाए हैं। डॉक्टर सिन्हा, क्या ये प्रिस्क्रिप्शन आपने लिखा था? योर ऑनर, आई एम नॉट श्योर। स्वाति को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई और इस घिनौनी साजिश में सिर्फ लाल जी नहीं बल्कि सिन्हा भी शामिल है। डॉक्टर सिन्हा जो कि 10 साल पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, उन्हें वहां से करप्शन चार्जेस पर निकाला गया था। फिर उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की और वो भी कहां? मालती लाल मेमोरियल हॉस्पिटल में, जो कि हसमुख लाल जी ने अपनी मां की याद में खोला है। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर सिन्हा लाल के बहुत ही करीब है। इसलिए मेरी कोर्ट से यह दरख्वास्त है कि डॉक्टर सिन्हा को अकम्प्लिस टू मर्डर मानकर ट्राई किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। दिस इज अ क्रेजी रिक्वेस्ट योर ऑनर, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। वेल, द कोर्ट विल स्टिल कंसिडर द रिक्वेस्ट। द कोर्ट इज एडजर्न टिल ऑगस्ट 10th। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आंटी जी बार बार मना कर रही हैं, तो हम उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? मैडम, आप समझती क्यों नहीं है मैडम? अगर इस रैली पे हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर वही नहीं आई तो ये रैली सक्सेस नहीं हो सकती। तो ठीक है, आप एक छोटी रैली आयोजित कीजिए, उसमें मैं बोलूंगी। हम कितनी मदद कर रहे हैं आपकी माता जी की, हम तो ये सोचते थे कि जैसे हम चाहते हैं वैसे होगा। खैर, अब हमको भी कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप शांत तो रहिए, हो जाए। मिश्रा जी, पार्टी मेंबर से कहिए रैली की तैयारी बंद कर दें। क्यों? स्वाति की मान नहीं आ रही। ऐसे कैसे होगा, हमने रैली की सारी तैयारी पूरी कर ली है। उनसे कहिए कि उनको रैली में आना ही होगा। ओ, तो ये बात है। आप लोगों के लिए ये सब राजनीति का एक खेल है। आप पब्लिक के सामने एक शो करना चाहते हैं जिसमें स्वाति की माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये दिखाना चाहते हैं कि रूलिंग पार्टी के नेता की विधवा की सहायता ऑपोजिशन पार्टी कर रही है। ऐसी बात नहीं है मैडम। प्लीज मैडम, आप इसे तमाशा मत बनाइए। हम स्वाति के लिए सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, इसे एक पॉलिटिकल गेम न बनाए तो बेहतर होगा। ठीक है, आइए चलिए, हमें अपना काम करना है। चलिए।
हर रोज दुनिया का एक नया रूप देखने मिल रहा है। I'm shocked. I'm very shocked. आओ, आओ, डरो मत, आ जाओ। राधा, मैंने सब समझाया इसे, थोड़ी घबराई हुई है। देखो राधा, तुम्हें जो कुछ भी याद आ जाए ना, हमें बता दो। इससे तुम हमारी मदद ही करोगी। बताओ राधा। हाँ देखो राधा, तुम्हारे पिताजी ने बताया था कि वो डायरी तुम ही ने उन्हें ला के दी थी। हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हें सब पता है। बताओ राधा। हाँ वो पागल नहीं थी। वो लोग उसे दवाइयां देते थे। ठीक 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 से तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन लेकिन उन लोगों ने बहुत बुरा किया उसके साथ। घर में दवाइयां आती थी, उनकी दिमाग की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन मुरारी और सब लोग उसके कमरे में गए, घंटों तक वही रुके। फिर बाहर से दरवाजा बंद किया और चले गए। घंटों बाद दरवाजा खुला और मैंने देखा। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानती। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन वो खुद दवाइयां नहीं खाती थी। बंद। अगर राधा ये कोर्ट में बता दे तो मुरारी को विटनेस के तौर पे कोर्ट में आना ही पड़ेगा। राधा, तुम ये कोर्ट में बताओगी ना? हाँ बताओगी ना? योर ऑनर, अभी डिफेंस के और भी विटनेसेस बाकी हैं। इसके बीच में स्पेशल प्रोविजन के तहत प्रोसिक्यूशन के इस विटनेस को अलाउ करने के फैसले को डिफेंस ऑब्जेक्ट करती है। ऑब्जेक्शन नोटेड। थैंक यू काउंसल। मैंने आपका ऑब्जेक्शन नोट तो किया है, लेकिन मैंने प्रोसिक्यूशन को अंडर स्पेशल प्रोविजन परमिशन दी है कि वो इस विटनेस को पेश करे, क्योंकि उनका प्राइम विटनेस अभी तक लापता है और पुलिस फोर्स ने उसे हमारे सामने पेश भी नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन, यू मे प्रोसीड। आपका नाम? राधा। आप स्वाति लाल को जानती थी? हाँ। कैसे? मैं उनके यहां काम करती थी। जिस दिन स्वाति लाल की मौत हुई उस दिन की सुबह आप कहां थी? उस दिन सुबह भी मैं उनके यहां काम पे गई थी। उस दिन आपने क्या देखा? उस दिन करीब 10 बजे मैं स्वाति दीदी के कमरे के बाहर सफाई कर रही थी। हाँ हाँ। तो अजय साहब और मुरारी दोनों स्वाति दीदी के कमरे में गए। फिर बाहर आए और मुरारी बोला। हाँ? बोलो राधा। मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या? राधा, तुमने कल ही तो मुझे बताया था कि कैसे मुरारी ने तुम्हें वहां जाने से रोका। ऑब्जेक्शन। प्रोसिक्यूशन विटनेस को फीड कर रहा है। विटनेस ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा।
राधा। राधा जी, राधा जी, आप कोर्ट को बताएंगी कि आपने क्या देखा? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपका एक स्टेटमेंट है जो कोर्ट के सामने है, आपका बयान। राधा, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये दीदी ने जो बोला मैंने वही लिखा। राधा, क्या बोल रही हो तुम? देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। कल जो कुछ तुमने मुझे कहा ना, तुम जज साहब से कह दो। हाँ राधा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं मालूम। राधा, कुछ नहीं, क्या हो गया है तुम्हें? जरा स्वाति दीदी को याद करो, क्या नहीं किया था उन्होंने तुम्हारे लिए? योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन कोर्ट का समय जाया कर रहा है। आर वी गेटिंग एनीवेयर विद दिस? मैंने तो पहले ही कहा था कि इस विटनेस से कुछ नहीं होने वाला। योर ऑनर, आई नीड परमिशन टू क्रॉस एग्जामिन माय विटनेस। मेरा विटनेस हॉस्टाइल हो गया है। आई रिक्वेस्ट यू, आई नीड टू क्रॉस एग्जामिन माय विटनेस योर ऑनर। काउंसिल, आर यू ओके? यस यस योर ऑनर। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं अपने विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहती हूँ योर ऑनर। Do you want the court adjourned? No, sir. Please, sir. Defense has no objection, sir. If the court is adjourned. The next date of hearing will be decided only after the prosecution counsel gives me a fitness report. In a hospital, le jaiye. The court is adjourned. Mridula, Mridula, bete, tum theek ho na? Sambhal ke bete. Aunty. चल सबर बाल, तुम उनके साथ जाओ। अच्छा लगेगा सर। डू एज आई से। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, सब ठीक है। सोनोग्राफी में भी सब नॉर्मल है। स्ट्रेस की वजह से कुछ क्रैम्स आ गए हैं। पापा, थैंक्स फॉर सेकेंडिंग द अजर्नमेंट। आज जो आपने किया, शायद ही कोई ससुर अपनी बहू के लिए करता है। Why are you doing this, बेटे? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? प्लीज मुझ पर भरोसा करो। देख रही हो ना क्या असर हो रहा है इसका तुम पर, उस होने वाले बच्चे पर। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि ये कोई खेल नहीं है? मिजुला, प्लीज विथड्रॉ। तुम्हें इस हालत में इतना मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा नहीं उठाना चाहिए। ये केस तुम हार जाओगी, ये तुम्हें मालूम है। पर इस केस की वजह से अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो डू वी डिजर्व दिस? उतरा प्लीज इसे कुछ समझाओ। सब कुछ ठीक चल रहा था, कितने खुश थे हम सब। हम सबको तो आराम से बैठकर इस बच्चे का इंतजार करना चाहिए, हंसते खेलते। इस बच्चे की खातिर प्लीज विथड्रॉ मृदुला, प्लीज उतरा, पुट सम सेंस इन टू हर। साहब, आपके लिए फोन है। बोलो, बाद में फोन करेंगे। वो नहीं मान रहे साहब। जस्ट थिंक अबाउट इट। हेलो, हम ये जानना चाह रहे थे कि आज आपने एडजर्नमेंट क्यों लिया?
नहीं तो केस आज ही डिसमिस हो जाता। आप जानते हैं मेरी बहू मृदुला सीरियस थी। सीरियस थी तो कोर्ट में क्या कर रही थी? उसे घर बैठना चाहिए था। या आप ये सोच रहे हैं कि डिलीवरी अगर कोर्ट में होगी तो बच्चा पैदा होते ही वकील हो जाएगा? जबान जबान संभाल के बात कीजिएगा। आप होश संभालिए वरना दिक्कत हो जाएगी। आज आप केस डिसमिस करवा सकते थे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और आप अपने आप को होशियार समझते हैं। हाँ हाँ होशियार समझता हूँ, इसलिए आज तक आपको बचा पाया हूँ। आप मेरी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि जो बचाता आया है वो मिटा भी सकता है। यही डर मुझे भी है। आज के बाद अजय अगर किसी को मिटाने पे तुल गया तो हम बचा नहीं पाएंगे, और वो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कर... क्या क्या कहा आपने? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, चेतावनी दे रहा हूं। इतने सालों की पहचान हम यूं ही नहीं मिटाना चाहते। अगर आप मुझे पहचानते तो आपको ये मालूम होना चाहिए था कि दीपक खन्ना एक हार्डकोर प्रोफेशनल है जो काम और रिश्तों के बीच का फर्क जानता है। एंड आई होप अगली बार आप मुझे ये बताने के लिए फोन नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। माँ, मत कहिए माँ, प्लीज। पर मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपकी आंखें कह रही हैं। प्लीज माँ, मुझसे ये मत मांगिए। अब मैं ये केस नहीं छोड़ सकती। I can't withdraw। मुझसे ज्यादा कुछ और लोग भी हैं जिनके लिए मैं ये कर रही हूं। उनकी जीने की वजह है ये। मैं उनका हक नहीं छीन सकती। प्लीज मां। मिलिंदा, बेटा अब तुम्हें मृदुला का ख्याल रखना होगा। कल से तुम उसके साथ कोर्ट जाओ। पर माँ, बात यहां तक पहुंची कैसे? क्या पापा नहीं देख सकते कि यहां क्या हो रहा है? फिर वो ऐसे लोगों के लिए केस क्यों लड़ रहे हैं? तुम्हारे पापा जानते कि वो क्या कर रहे हैं, और मृदुला भी जानती कि वो क्या कर रही है। दोनों अपने सच के पीछे पीछे भाग रहे हैं। बस तुम और मैं इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। फिलहाल एक ही रास्ता है, तुम मृदुला का साथ दो और मैं तुम्हारे पापा का। एंड आई होप जीत हमारी फैमिली की ही हो, क्योंकि कटघरे में हमारी फैमिली ही खड़ी है। एंड आई प्रे कि फैसला हमारे हक में ही हो। पुलिस तो मुरारी को ढूंढ ही नहीं पाई, देखते हैं ऐड देने से क्या फर्क पड़ता है। हमें सारे ऑप्शंस ट्राई कर लेने चाहिए। मुरारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चले चलिए। हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। वो दीपक खाना जी की बहू हमारे यहाँ ऑफिस में आई है जी। हाँ जी, ओके। फोटो तो बहुत ही ग्रेनी है, छपने पर और भी खराब दिखेगी। हाँ, अगर आपके पास कोई दूसरी फोटो हो तो ऐसा करते हैं, कल एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आते हैं इसके। बेटर। अरे बेटर क्या, एक गुमशुदा आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अगर बेहतर फोटो होती तो लेकर आते। देखिए, फोटो की क्वालिटी खराब होने से पेपर का लुक अफेक्ट हो जाता है, यू नो। लुक की चिंता है आपको? अगर ऐसा है तो आपके अखबार में जो नेताओं के फोटो छपते हैं उन्हें मेकअप लगाकर क्यों नहीं खींचते आप? उनकी चोरों जैसी शक्ल से आपके अखबार का लुक खराब नहीं होता? अरे आप तो नाराज हो गए, मैं तो बस यूं ही। पंत, देखिए ये आदमी एक केस में मेन विटनेस है,
इसके लापता होने से हमारा केस अटका हुआ है। अगर ये मिल जाए ना तो हम कई बड़े लोगों की सच्चाई सामने ला सकते हैं। मृदुला जी, आजकल सच्चाई से अखबार का क्या वास्ता? देखिए, मुझे इसके बारे में सीनियर से बात करनी होगी। प्लीज ट्राई कीजिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। आई एम रेडी टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन ये एड कल के अखबार में आ जाना चाहिए। कल के पेपर में तो बिल्कुल ही जगह नहीं है। आप ये फोटो यहाँ छोड़ जाइए। विल कंसीडर योर रिक्वेस्ट। थैंक यू। देखते हैं क्या अखबार वालों का भी धंधा हो गया। कौन है? होशियारी करती है। कौन है? मुझसे बात कर रहे हैं? अरे भेज दो रात तेरे को। क्या कर रहे हैं? मेरे को मारा तूने? चल इधर बैठ जा। बहुत मुकद्दर लड़ती है। तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? ऐसी हालत में यू शुड बी केयरफुल ना। पता नहीं गुंडे कहां से आ गए अचानक। चलो बैठो अंदर। चलो रुद्रा, तुम गाड़ी से मत उतरना। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। देखिए यहाँ पे भारत टाइम्स के बाहर कुछ गुंडे मारा मारी कर रहे हैं। प्लीज जल्दी आइए। आप रुद्रा को लेके निकल जाओ। तुम ठीक हो? क्या दिखा रहे हो? कुछ पार्टी वर्कर्स की लिस्ट है। खाइए। हाँ बोलिए। ये क्या बदतमीजी है हसमुखलाल? तुम अपनी गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आओगे? गिरे हुए तो हम सभी हैं, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम्हारे आदमियों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को हाथ लगाने की? अब लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन भी देने लग गए। अरे हाथ कहाँ लगाया है, तौंस दी है सिर्फ मैंने नहीं, अजय ने। अब आपकी बहू आपका नहीं सुनती और मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता। तो ठीक है, मैं अभी वॉकआउट कर जाता हूँ केस से। और काहे टेंशन ले रहे हैं और दे रहे हैं? हाथ तो नहीं लगाया ना, जरूरी होता है। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझा दूंगा। अगर गलती से भी किसी ने मेरे बहू की तरफ आंख भी उठाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नालायक, तू अभी बाप से बड़ा नहीं हुआ है, ये क्या कंचे खेल रहा है? राजनीति में घुसना है? राजनीति में अकल से ज्यादा काम लेते हैं, जूती से नहीं। भैया वो डीएसपी बता रहा था कि उन्होंने एफआईआर फाइल किया है, मामला वैसे ही गर्म है, कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं हो जाएगा? कहिए उससे, आज तक इतना खाया है, एक लफड़ा होगा सब पच जाएगा, दोबारा खाने के लिए पुराना वाला पचाना पड़ेगा ना, कहिए। अकल को क्या बेच के खा गया है? एक केस से बरी हुआ नहीं, दो चार खून और कर ले, मेरा खून कर, मेरा खून कर। अब अगर मेरी आज्ञा के बिना किसी ने कुछ भी किया तो याद रखना, चमड़ी उधेड़ लूंगा। हमें पहले से ही शक था कि उसका
संबंध किसी और के साथ भी है। देर रात उसे फोन कॉल्स आते थे, जब कोई दूसरा उठा लेता था तो सामने वाला कुछ नहीं बोलता था, फिर वो घंटों फोन पे बात करती थी, पूछा जाता तो वो बहाने बनाती। अचानक एक दिन किसी ने, जर्नलिस्ट ने अजय से ये सवाल कर ही दिया कि तुम्हारी पत्नी का संबंध प्रसाद नाम के किसी आदमी से। अजय नाराज हो गया, नाराजगी में उसने उस जर्नलिस्ट से झगड़ा कर लिया। जब हम लोगों ने पूछा तो स्वाति पागलपन के दौरे का नाटक करने लगी। तब हमने तलाक की बात की पर वो नहीं मानी, ढेर सारे पैसे मांगने लगी। मैंने अजय से कहा कि दे दो, झंझट खत्म करो, लेकिन अजय नहीं माना। अजय को लगता था कि स्वाति सुधर जाएगी, फिर पता नहीं कहां से वो दवाइयां खाना शुरू करती। दवाइयां खाकर वो अपने आप को चोट पहुंचाती कि हमें दुख पहुंचे। कई बार हम लोगों ने उसकी दवाइयां जब्त कर ली लेकिन फिर भी कहां से ले आती। और आखिरकार उसने अजय को धमकी दी कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगा तो वो दवाई खाकर खुदकुशी कर लेगी। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया लेकिन उसने ऐसा ही किया और हम लोग उसके बिछाए जाल में फंस गए। थैंक यू, नो फर्दर क्वेश्चंस। आपने मुरारी को कहां छुपा रखा है? ऑब्जेक्शन, प्रोसिक्यूशन इल्जाम लगा रही है। सस्टेन। मुरारी कहां गया? मालूम नहीं। अरे आपके घर का एक पुराना नौकर इतने दिनों से लापता है और आपने पता करने की कोशिश भी नहीं की? अब देश की सेवा करें या नौकरों के पीछे भागे? हसमुख लाल जी, आपको जब स्वाति और प्रसाद के अफेयर, जैसे कि आपने कहा, के बारे में पता चला तब आपको कैसे लगा? दुख, दुख हुआ। बस आपको दुख हुआ, गुस्सा नहीं आया? गुस्सा करके क्या कर लेता, जवान लोग हैं, उनका अलग जीने का ढंग है। हाँ, उनके पिताजी के बारे में सोचकर तकलीफ होती है, ऐसे सज्जन पुरुष, उनकी ऐसी बेटी, बुरा लगता है। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। द नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन अगस्त 21st। सर, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। सर, सर मैंने देखा कि जैसे भी आपने सोचा था एज पर जो प्लान, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सर, इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छे। एग्जैक्टली, चले पिताजी, चले चले। हाँ चले। प्रसाद, लगता है ये केस लाल के फेवर में जा रहा है। मैंने सच्चाई को सामने लाने के लिए क्या नहीं किया, लास्ट मिनट राधा ने भी विटनेस बनने से इनकार कर दिया। और पापा, वो कोई दाव पेज नहीं छोड़ेंगे लाल को बचाने के लिए। हमें इस केस के लिए मुरारी की बहुत जरूरत है, पता नहीं क्या होगा। मुझे तो लगता है कि मैंने स्वाति के लिए कुछ भी नहीं किया है। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ मृदुला। अरे तुमने तो इतने ताकतवर लोगों को चुनौती दी है, ये कोई मामूली बात है? यू've ट्राइड योर बेस्ट ना? झूठा दिलासा मत दिलाओ प्रसाद। I've tried my best, but I think my best was not good enough. हेलो मृदुला जी, मैं पंत। जी पंत जी, मैंने मुरारी का पता लगा लिया है, लाल ने उसे अपने गांव में छिपा रखा है। Oh, that's wonderful news. That's great. उसे जल्दी मुंबई लेकर आइए। लाल के लोग उसे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, मैं मौका पाते उसे ले आऊं। जी ठीक है,
थैंक यू पंत जी। क्या हुआ? मुरारी मिल गया है। अब मैं नहीं छोड़ूंगी उन लाल्स को। मैं ये केस आसानी से डिसमिस नहीं होने दूंगी। डिसमिस? वी आर गोइंग टू विन इट। हम ये केस जीत जाएंगे। राइट। ओम प्रजापतेय स्वाहा, इदं प्रजापतेय नमम। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमम। ओम अग्नेय स्वाहा, इदं अग्नेय नमम। अब आप मनोनुकूल कार्य सिद्धि हेतु परमेश्वर को प्रणाम कीजिए। ओम गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं। वो मुरारी अपनी कैद से छूट गया है और खबर मिली है कि मृदुला के आदमियों ने उसे कहीं छुपा रखा है। मार डालो उसे और ऐसे मारो कि उसकी मौत एक्सीडेंट लगे। आज बुरी खबर मत सुनाना। जी। वाह वाह, लवली लवली, बैठिए ना साहब। स्टॉप इट लवली। मॉम यू लुक ब्यूटीफुल, सीरियसली क्या बात है। वाह वाह, प्लीज ऐसे मत। लॉयर साहब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ तो बेटा जरा यहाँ देखिए प्लीज। हाँ बाबू जी से कितनी करता है। माइक मुंह में डाले ना प्लीज। मृदुला ये ले। अरे वहां क्या कर रहा है? केबिल पे जा। मारे संभाल। अरे मुंह क्या दिखता है? केबिल खींचना। मैंने भी यही कहा। मैडम जी आप कैसे? सुनो बाहर जरा जाना। सबको देखना पीछे। हाँ हेलो, सब लोगों ने खाया जी। और यहाँ पे यहाँ देखा तुमने? हाँ जरा ध्यान से। हाँ जा। क्या? हेलो, लेकिन क्या हुआ बेटा? मृदुला क्या हुआ? मुरारी। हेलो, अपनी बीवी को बोल दे कि अब मुरारी कभी नहीं आएगा। कौन है? तेरा बाप। कौन बोल रहा है? ये जो बच्चे के लिए गोद भराई कर रहा है ना, उसके बारे में सोच। अगर वो जिंदा ही नहीं रहा तो तेरे हाथ क्या आएगा घंटा? अबे वो चार बाप की औलाद, तू मेरे बच्चे के बारे में क्या बोल रहा है? हाँ अपने बाप को जाके बोल कि अगर उसमें जरा सा भी दम है तो वो तेरे जैसे हरामी के पीछे छुप के क्यों धमकी दे रहा है? सामने तो आए, मैं उसका वो हाल करूंगा कि अपने बाप को भी नहीं पहचान पाएगा वो। केस तो कल खत्म हो जाएगा, फिर देखना हम कैसे तेरी बीवी को नंगा करके। तू मेरे घर वालों को हाथ तो लगा के देख। यू Thank you.
मृदुला तुम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। तुम लोगों को तो ऐसा लगता होगा कि मैं एक राक्षस हूं, पर उतरा मैं सिर्फ इस परिवार को हंसता हुआ देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। तुम जानती नहीं ये कैसे लोग हैं। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं ये केस हार गया तो क्या कर बैठेंगे ये लोग। दुनिया में हजारों लाल जैसे लोग हैं, किन किन से लड़ेंगे हम। मैं समझती हूं अगर आप केस हारेंगे तो आप एक अच्छे लॉयर होने का फर्ज निभा नहीं सकेंगे, और अगर आप केस जीतेंगे तो मृदुला हमेशा के लिए वकालत छोड़ देगी। दोनों तरफ आप ही की दुहार है, और आपका सपना था ना कि मृदुला आपकी फर्म को आगे बढ़ाए। कभी कभी हम जिंदगी में जो चाहते हैं ना वो हमें कभी नहीं मिलता। मैंने भी क्या चाहा था, सिर्फ यही ना कि तुम सब खुश रहो। मिलन खुश रहे, मृदुला खुश रहे, मेरी लॉ फर्म चलती रहे बस। और आज तक मैंने जो भी किया सब इसीलिए। ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे मालूम है कि आप जो भी करेंगे इस घर की खुशियों के लिए करेंगे। आपकी जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि इस घर की खुशियों के लिए आप सही फैसला लेंगे। चलो जाकर सोते हैं। नहीं तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। ठीक है, जल्दी आना। May I proceed, Your Honor? Please do. आपने स्वाति की मां से यह क्यों कहा कि स्वाति को अमेरिका इलाज के लिए ले जा रहे हैं? क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि मां जी स्वाति को उस हालत में देखें। वो टूट जाती। एक कड़वे सच से दूर रखने के लिए हमने ऐसा किया, और कुछ ही दिनों के बाद हम स्वाति को अमेरिका ले जाने वाले थे, मगर उससे पहले ही। क्या यह सच है कि आप औरतों से नफरत करते हैं? नहीं, गलत है। यह बात मीडिया वालों ने उछाली है, वो भी इस केस के सामने आने के बाद। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं अपनी मां को बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी मां को, और मेरी मां भी एक औरत है। अखबार वाले तो यह भी लिखते हैं कि आप बहुत गुस्सेल और एरोगेंट किस्म के शख्स हैं। ये वही अखबार वाले हैं जिन्होंने स्वाति के साथ बदतमीजी की थी और मुझे गुस्सा आ गया था। इतनी सी बात है बस, जिसे इन्होंने इतने जोर शोर से उछाला। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई आपकी पत्नी के साथ छेड़खानी करे, बदतमीजी करे, तो आपको गुस्सा आएगा ना? आएगा ना? इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। जी नहीं, मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना आता है। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना आता है? जी हां। वेरी गुड, नो मोर क्वेश्चंस।
मिस्टर अजय लाल, क्या आप अरुंधति पांडे को जानते हैं? जी हाँ, वो हमारे कैंपेन मैनेजर रतिकांत पांडे की पत्नी है। बस यही पहचान के कुछ और भी? ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्या आपका अरुंधति पांडे के साथ चक्कर चल रहा था? ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्या ये सच नहीं कि जब आपकी शादी स्वाति के साथ तय हुई तब आपका चक्कर अरुंधति पांडे के साथ चल रहा था? ऑब्जेक्शन काउंसिल, यू आर बॉन्ड। क्या आप लोगों ने मनोज सोलंकी को उसकी जमीन देने पर मजबूर नहीं किया था? दिस इज टू मच काउंसिल, बी केयरफुल। आप लोगों ने मुरारी का खून क्यों किया? ऐसा क्या जानता था मुरारी? काउंसिल, लास्ट वार्निंग फॉर यू, आई लेट टू होल्ड यू इन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। आपके और स्वाति के बीच संबंध कैसे थे? अच्छे थे, जैसे किसी पति पत्नी के बीच होने चाहिए वैसे। मेरा मतलब शारीरिक संबंध से है। सब अच्छे थे। क्या ये सही है कि काफी कोशिशों के बावजूद आप लोगों को कोई बच्चा नहीं हुआ? हाँ, स्वाति कुंड कंसीव। झूठ। स्वाति ने अपने सारे टेस्ट कराए थे और इनके हिसाब से स्वाति बिल्कुल ठीक थी। दीपक जी। तो कहीं प्रॉब्लम आप में तो नहीं? हाँ? मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, दिस इज आपके पिताजी श्री हसमुख जी ने कहा कि स्वाति का अफेयर प्रसाद के साथ चल रहा था। जब आपको इस बात का पहली बार पता चला तब आपको कैसे लगा? कुछ नहीं लगा। क्यों? आपकी मर्दानगी को ठेस नहीं पहुंची? What do you mean? I mean कि आपने स्वाति को तलाक इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं ये बात बाहर ना निकल जाए कि आप नामर्द हैं। बात तलाक तक नहीं आई थी। उसे चुप कराना आपके बस में नहीं था और आप उसे छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए कायरों की तरह आपने उसे दवाइयां खिलाना शुरू कर दिया। काउंसिल, आप ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहेंगे? सर नो सर। काउंसिल, यू आर टेस्टिंग योर लिमिट्स, आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल। स्वाति मर के भी आपकी सच्चाई को बयान कर गई कि आप नामर्द हैं। काउंसिल, आप मैं नामर्द नहीं हूं। अरुंधति से पूछ लो। अरुंधति? अरुंधति आपके डॉक्टर तो नहीं? तो वो कैसे जानेगी आपके मर्द या नामर्द होने के बारे में? हाँ? ओह, तो वाकई आपका कुछ अरुंधति के साथ चक्कर है? अच्छा, तो ये बात है। अरुंधति पांडे के साथ अपने अफेयर को छुपाने के लिए आपने स्वाति से शादी की और जब उसको आपके बारे में पता चला तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और आप उसे चुप नहीं कर सके। आपके घर में रहते हुए उसने अपने यार के साथ संबंध रखे, इतने बड़े खानदान को उसने चुनौती दी, आपके मुंह पर थूका और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर एक दिन उसने आत्महत्या की, अपनी ही मर्जी से अपना जीवन समाप्त कर दिया। वो आजाद जी और आजाद मरी और मरने के बाद भी उसने अपनी डायरी के जरिए आपको सबके सामने नंगा कर दिया। इतने ताकतवर आदमी को अदालत में आज अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए जोर जोर से चीखना पड़ रहा है। उसने आपको एक तमाशा, एक मजाक बनाकर छोड़ दिया। मरने के बाद भी वो जीत गई लाल साहब, वो जहां पर भी है आप पर हंस रही है, वो हंस रही है जलाल। क्या हंस रही है मुझ पर? क्या हंस रही है? वो हंस के तो दिखाए उसकी वजह हंस रही की। मैंने मारा उसे, हमने मारा उसे, हमने दवाई दी उसको, हमने मारा, हमने That's all, Your Honor. That's all.
अरे सुनो सुनो, अजय लाल ने कन्फेस कर लिया है, खून उसी ने किया है। चलो चलो जल्दी चलो। तमाम एविडेंस, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स और अक्यूज्ड के इस कन्फेशन को ध्यान में रखते हुए मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि अक्यूज्ड अजय लाल, हसमुख लाल और डॉक्टर विनोद सिन्हा तीनों ही स्वाति लाल के कत्ल के दोषी हैं। उनके खिलाफ गुनाह साबित हो चुका है। मैं डॉक्टर विनोद सिन्हा को सेक्शन 201 आईपीसी के तहत गुनहगार को जानबूझकर स्क्रीन करने के जुर्म में दोषी पाता हूं एंड आई सेंटेंस हिम टू 2 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 आईपीसी। आई कन्विक्ट अजय लाल एंड हसमुख लाल एंड सेंटेंस देम टू सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कांग्रेचुलेशन जी। मुझे बस इतना कहना है कि मिसेस मृदुला खन्ना डिड अ ब्रिलियंट जॉब। आई एम वेरी प्राउड ऑफ। ऐसा मत समझना कि हार मान लिया। सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। हसमुख जी, जब एक नई लॉयर ने आपका मुकाबला इतने दम से किया तो मुझे किस बात की फिक्र। ले जाइए। नहीं पापा, जा रहे हैं। पापा भी चले गए। पापा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जीते रहो बेटे। मुझे पूरा भरोसा था आप लाल जैसे गुनहगारों को यूं ही बचकर जाने नहीं देंगे। यू वर वेरी गुड बेटे, यू मेड मी वेरी प्राउड। लेकिन ये तो शुरुआत है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम डीके एसोसिएट्स का नाम खूब रोशन करोगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज तक मैं तुम्हें गाइड करता रहा, तुम्हें राह दिखाता रहा, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि समय आ गया है कि तुम खुद अपनी राह, अपनी मंजिल तय करोगी। इट्स ऑल योर्स बेटे। पापा। बेटे, दिस वाज माय लास्ट केस। मैं रिटायर कर रहा हूं। पर क्यों? स्वाति के पास तुम्हारी जैसी दोस्त थी इसलिए यह सब हुआ। मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ऐसा दोस्त नहीं है। अब तुम्हें उनका दोस्त और लॉयर दोनों बनना है। अब तुम ये फर्म अपने प्रिंसिपल्स और अपने वैल्यूज के मुताबिक चलाना है। मैं तो वैसे भी बार एसोसिएशन के पोस्ट से रिजाइन कर चुका हूँ। वैसे भी मुझ जैसे ओल्ड सिनिकल मैन को हट जाना चाहिए। आप जो भी कहें पापा, यू आर द बेस्ट और मेरे लिए तो यू विल ऑलवेज बी द बेस्ट। मैं आज जो कुछ भी हूं आप ही से तो सीखा है। जब तक मैं वकील था तब तक मुझे ऐसा लगता था कि हमारे प्रोफेशन में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। अभी ऐसा लगता है once in a while it's not such a bad thing। चलिए घर चलिए। चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पल है खुशी, पल है गम, पल है गम। ऐ ज़िंदगी, फिर भी हम चाहते हैं तुझे, मरते हैं तुझ पे हम, हर तरफ से यही
स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ मृदुला। अरे तुमने तो इतने ताकतवर लोगों को चुनौती दी है, ये कोई मामूली बात है? यू ट्राइड योर बेस्ट ना। झूठा दिलासा मत दिलाओ प्रसाद। I've tried my best, but I think my best was not good enough. Hello? Mridula ji, main Pant. Ji, Pant ji. Maine Murari ka pata laga liya hai. Lal ne usse apne gaon mein chhipa rakha hai. Oh, that's wonderful news. That's great. Usse jaldi Mumbai lekar aaiye. Lal ke log usse charon taraf dhoond rahe hain. Main mauka paate usse le aaun. Ji, theek hai. थैंक यू पंत जी। क्या हुआ? मुरारी मिल गया है। अब मैं नहीं छोड़ूंगी उन लाल को। मैं ये केस आसानी से डिसमिस नहीं होने दूंगी। डिसमिस? वी आर गोइंग टू विन इट। हम ये केस जीत जाएंगे। राइट। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमम। ओम अग्नेय स्वाहा इदं अग्नेय नमम। अब आप मनोनुकूल कार्य सिद्धि हेतु परमेश्वर को प्रणाम कीजिए। ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं। वो मुरारी अपनी कैद से छूट गया है और खबर मिली है कि मृदुला के आदमी ने उसे कहीं छुपा रखा है। मार डालो उसे और ऐसे मारो किसकी मौत एक्सीडेंट लगे। आज बुरी खबर मत सुनाना। जी। वाह वाह। लवली लवली। बैठिए ना साहब। स्टॉप इट लवली। मॉम यू लुक ब्यूटीफुल सीरियसली। क्या बात है। वाह वाह। प्लीज ऐसे मत। लॉयर साहब आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ तो बेटा जरा यहाँ देखिए प्लीज। माइक मुंह में डाले रख ली मृदुला। ये ले। अरे वहां क्या कर रहा है? केबल बचा। मारी संभाल। अरे मुंह क्या दिखता है? केबल खींचना। मैंने भी यही कहा। मैडम जी आप कैसे? सुनो बाहर जरा जाना जी। सबको देखना पीछे। हाँ हेलो। सब लोगों ने खाया जी। और यहाँ पे यहाँ देखा तो ना। हाँ जरा ध्यान से। हाँ जाओ। क्या हेलो? लेकिन क्या हुआ बेटा? मृदुला क्या हुआ? मुरारी। हेलो। अपनी बीवी को बोल दे कि अब मुरारी कभी नहीं आएगा। कौन है?
तेरा बाप। कौन बोल रहा है? ये जो बच्चे के लिए गोद भराई कर रहा है ना, उसके बारे में सोच। अगर वो जिंदा ही नहीं रहा तो तेरे हाथ क्या आएगा घंटा? अबे वो चार बाप की औलाद, तू मेरे बच्चे के बारे में क्या बोल रहा है? अपने बाप को जाके बोल कि अगर उसमें जरा सा भी दम है तो वो तेरे जैसे हरामी के पीछे छुप के क्यों धमकी दे रहा है? सामने तो आए, मैं उसका वो हाल करूंगा कि अपने बाप को भी नहीं पहचान पाएगा वो। केस तो कल खत्म हो जाएगा, फिर देखना हम कैसे तेरी बीवी को नंगा करके। तू मेरे घर वालों को हाथ तो लगा के देख। यू मृदुला, तुम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। तुम लोगों को तो ऐसा लगता होगा कि मैं एक राक्षस हूं, पर उतरा मैं सिर्फ इस परिवार को हंसता हुआ देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। तुम जानती नहीं ये कैसे लोग हैं। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं ये केस हार गया तो क्या कर बैठेंगे ये लोग। दुनिया में हजारों लाल जैसे लोग हैं, किन किन से लड़ेंगे हम? मैं समझती हूं, अगर आप केस हारेंगे तो आप एक अच्छे लॉयर होने का फर्ज निभा नहीं सकेंगे, और अगर आप केस जीतेंगे तो मृदुला हमेशा के लिए वकालत छोड़ देगी। दोनों तरफ आप ही की दुहार है, और आपका सपना था ना कि मृदुला आपकी फर्म को आगे बढ़ाए। कभी कभी हम जिंदगी में जो चाहते हैं ना वो हमें कभी नहीं मिलता। मैंने भी क्या चाहा था, सिर्फ यही ना कि तुम सब खुश रहो, मिलन खुश रहे, मृदुला खुश रहे, मेरी लॉ फर्म चलती रहे बस। और आज तक मैंने जो भी किया सब इसीलिए। ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे मालूम है कि आप जो भी करेंगे इस घर की खुशियों के लिए करेंगे। आपकी जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन मुझे यकीन है कि इस घर की खुशियों के लिए आप सही फैसला लेंगे। चलो जाकर सोते हैं। नहीं, तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। ठीक है, जल्दी आना।